चलो भाई तो आपको पता ही है हम लोगों का वॉरियर हंड्रेड बैच चल रहा है मस्त तरीके से तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर लिए जाए ठीक है अनटोल्ड कॉन्सेप्ट में आप लोग आए हो तो देखो हंड्रेड क्वेश्चन की सीरीज जबरदस्त होने वाली ध्यान से देखना हर एक क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड करा है ठीक है तो चलो और ये जीरो टू हीरो आपको तो पता ही है मैथ में आपको जीरो टू हीरो बनाने का जो टारगेट है और आप लोग अच्छे से इस टारगेट को फुलफिल कर रहे हो ओके देखो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड फॉर विच द नंबर फोर सेवन वन जेड एट इज डिविजिबल बाई नाइन हर बार ऐसा क्वेश्चन आता है हर बार पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है ठीक है कि ये फोर सेवन वन जेड एट नाइन से डिविजिबल है डिविजिबल है इसका मतलब कंप्लीट डिविजिबल है पहले आपको क्वेश्चन को समझना होता है कंप्लीट डिविजिबल है तो यहाँ पे जो एक जेड है फोर सेवन वन जेड एट तो यहाँ पे इस जेड की क्या वैल्यू होगी वो आपको बताना है ठीक है तो चलो सबसे पहले हमने क्या करना है यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो आपको नाइन का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए नाइन का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि कोई भी नंबर है उसे आपको उसके डिजिट को प्लस करना होता है तो यहाँ पे हम वही अप्लाई करेंगे आपके पास नंबर है फोर सेवन फोर सेवन वन जेड एट ये नंबर है हमने क्या करना है इस नंबर के डिजिट को प्लस कर दो ठीक है फोर प्लस सेवन प्लस ये तो आप माइंड में करोगे मैं तो sum जाने के लिए करवा रहा हूँ Z. Z ताकि ये डिविजिबल हो जाए नाइन से नाइन का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि आपने सारे डिजिट को प्लस करना है प्लस करने के बाद जो आपको सम आए वो अगर नाइन से डिवाइड हो तो पूरा नंबर नाइन से डिवाइड होगा अब हम इन्हें प्लस करते हैं फोर सेवन होता है आपका कितना इलेवन इलेवन वन ट ट्वेल्व एट होता है आपका कितना ट्वेंटी सबको पता है ना सात चार ग्यारह ग्यारह एक बारह बारह आठ बीस आपका ट्वेंटी प्लस जेड अब बताओ क्या ट्वेंटी नाइन से डिविजिबल है नहीं है ट्वेंटी के बाद ऐसा नंबर बताओ जो नाइन से डिविजिबल है आप बोलोगे सर नाइन टू जन नाइन थ्री या ट्वेंटी सेवन है ठीक है अब देखो इस ट्वेंटी को ट्वेंटी सेवन बनाने के लिए इस ट्वेंटी को ट्वेंटी सेवन बनाने के लिए मैं आप क्या प्लस करूंगा इस जेड की वैल्यू में क्या आप क्या ले लूंगा सेवन ले लूंगा सिंपल है और आपको आंसर भी मिल रहा है सी ऑप्शन तो ये आपका राइट होगा ठीक है ऐसे करोगे भाई आप समझ आपको आ गया होगा बस यहाँ पे आपको नाइन डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए था जो कि आपको पता है चलो कोई भी कंफ्यूजन होगी कमेंट कर लेना आपको हाँ उस पर मैं फिर बता दूंगा कि क्या एक्सप्लेसन आपको मिल जाएगा वैसे दिक्कत होगी नहीं हर एक चीज़ लेके चल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई भी एग्जाम स्पेशली आर आई एम सी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ठीक है और हर जगह ये सैनिक वगैरह हो आपका ठीक है आप मिलिट्री वगैरह हो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे पहले देखो इसका एडिटिव इनवर्स हमें बताने आपको पता होना चाहिए कि सर पहली बात तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है ना एडिटिव आइडेंटिटी होता है एडिटिव इनवर्स होता है ना अगर आपको मैं बताऊँ की एडिटिव इनवर्स क्या होता है तो जैसे ये ए है ठीक है या मैं कोई भी नंबर मैं ये नंबर मान रहा हूं टू ठीक है कि मैं इस टू में ध्यान से सुनना मैं इस टू में क्या प्लस करूं मैं इस टू में क्या प्लस करूं कि मुझे आंसर जीरो मिल जाए इसे कहते हैं हम एडिटिव इनवर्स समझ रहे हो कि मैं इस टू में क्या प्लस करूं कि मुझे आंसर जीरो मिल जाए आप बोलोगे सर मैं इस टू में ना माइनस टू को प्लस करूंगा और ये प्लस माइनस का क्या हो जाता है प्लस माइनस का माइनस हो जाता है टू माइनस टू मुझे क्या मिल गया जीरो गया तो इसे कहते हैं हम एडिटिव इनवर्स मतलब कोई भी नंबर के अगर एडिटिव इनवर्स आपको बताना है उस नंबर का उल्टा कर लो रेसिप्रोकल मतलब अगर वो टू है तो टू का क्या हो जाएगा माइनस टू रेसिप्रोकल नहीं होगा पे साइन चेंज हो जाएगा अगर बोला जाएगा माइनस टू की एडिटिव इनवर्स बताओ तो हम लोग प्लस टू कह देंगे ठीक है साइन चेंज कर लेना है ओके सर इसमें भी देख लो सबसे पहले यहाँ पे यार हमें सॉल्व करना पड़ेगा टू अपॉन थ्री प्लस फाइव अपॉन फोर 5 upon 4, और कितना मिला ट्वेल्व मिला ओके थ्री को कितने से मल्टीप्लाई करा ट्वेल्व आया फोर से तो इस टू को भी मैं कितने से करूंगा फोर से टू फोर जा कितना हो गया एट हो गया प्लस फोर को कितने से करा ट्वेल्व आया थ्री से फाइव को भी थ्री से करूंगा फाइव थ्री जा फिफ्टीन ठीक है अब फिफ्टीन प्लस एट करोगे तो कितना मिलेगा ट्वेंटी थ्री अपॉइंट ट्वेल्व मिलेगा सॉल्व करके हमारा आंसर है ट्वेंटी थ्री अपॉइंट ट्वेल्व अब बताओ ट्वेंटी थ्री अपॉइंट ट्वेल्व में मैं क्या प्लस करूँ कि आंसर जीरो आए हम बोलेंगे सर इसका साइन उल्टा कर दो इसका साइन हम उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस ट्वेंटी थ्री अपॉइंट ट्वेल्व हो जाएगा जो कि आपको साफ साफ दिख रहा है कौन सा ऑप्शन कौन सा ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट माइनस ट्वेंटी थ्री अपॉइंट ट्वेल्व क्लियर यस सर क्लियर तो देखो भाई हम लोगों का प्रॉपर क्लास चलती है हम लोगों की वॉरियर बैच में इसके थोड़ी फीचर आप लोग देख लो इसमें आपको डेली क्लासेस मिलती है ठीक है इसमें आपको डेली क्लासेस मिलती हैं डेली क्लासेस होती है ऑनलाइन क्लास होती है आप उसमें अपना माइक ऑन कर सकते हो कैमरा ऑन कर सकते हो ठीक है रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको अवेलेबल रहते हैं लाइव क्लास की डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपको मिलती है विध सॉल्यूशन प्रॉपर सॉल्यूशन आपको उसमें करवाए जाते हैं नोट्स अगर किसी को चाहिए होते हैं नोट्स में से जनरली आपको कंप्लीट करवाए जाते हैं कोई दिक्कत नहीं है वो मिल जाते हैं वीकली टेस्ट होता है मंथली टेस्ट होता है पी हम करवाते हैं ताकि आप लोगों को आइडिया आए कि कैसे कैसे, कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं स्पेशल टेस्ट सीरीज रहती है ताकि बढ़िया तरीके से आपका

बहुत कम सीट है लिमिटेड सीट है तो जल्दी कांटेक्ट कर लो और अपने से अच्छे से प्रिपरेशन कर लो अभी रिजल्ट भी हम लोगों का बढ़िया रिजल्ट आया ठीक है कई सारे बच्चे सेलेक्ट हो गए उनका रिजल्ट मैं शो करूंगा आपको ठीक कई बच्चे सेलेक्ट हो गए ठीक है अभी जो नाइन्थ वगैरह में थे सैनिक वगैरह में है ना बढ़िया रिजल्ट रहा चलो आगे करते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू रेसनल नंबर इज ऑलवेज बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि दो अब आपको रैशनल नंबर सारा करवा रखा है जो भी यहाँ क्वेश्चन है सारे मैंने करवा रखे हैं ठीक है दो अगर जिसको दिक्कत है वो लेक्चर देख लेना वो उसके बाद ही आप लोग इसको कर रहे हैं ठीक है दो रेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट होता है अगर मैं दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करूँ उनका जो आंसर आएगा तो वो क्या होता है वो हमेशा रेशनल ही होता है समझा देता हूँ रेशनल नंबर मान लो आपको पता है पी की फॉर्म में है ठीक है तो वन ओ टू अगर मैं इनका प्रोडक्ट निकालू कुछ ही मैंने और ले लिया थ्री ओ फाइव तो ये क्या मिला थ्री वन जे थ्री और फाइव टू जे टेन ये भी तो रेशनल नंबर ही है ये भी तो आपका रेशनल नंबर ही है ठीक है तो वो हमेशा हमें रेशनल नंबर मिलेगा नंबर नहीं मिलेगा तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी है ठीक है क्लियर हो गया ओके सर राइट द एडिटिव इनवर्स फिर से एडिटिव इनवर्स बताना है तो इसको सॉल्व कर दो मैंने सॉल्व करा इसको वन अपॉन फोर माइनस फाइव अपॉन सिक्स माइनस फाइव अपॉन एट इनका मैं सॉल्व करूंगा एलसीएम लूंगा फोर सिक्स एट का एलसीएम कितना आएगा एट टू जा सिक्सटीन एट थ्री जा ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर एलसीएम आएगा ठीक है फोर को किससे मल्टीप्लाई करा ट्वेंटी फोर आया सिक्स से तो वन को भी सिक्स से करूंगा सिक्स वन या सिक्स बीच में वन का माइनस का साइन सिक्स को किससे मल्टीप्लाई करा ट्वेंटी फोर आया हर एक चीज बता रहा हूँ फोर से फाइव को भी फोर से करोगे फाइव फोर या ट्वेंटी माइनस एट को कितने से करा ट्वेंटी थ्री आया ट्वेंटी फोर आया थ्री से फाइव को भी किससे करोगे थ्री से फाइव थ्री या फिफ्टीन इसे करो सिक्स माइनस अगर आप ट्वेंटी करोगे तो सिक्स माइनस ट्वेंटी बीच में से चाहिए आपका कितना आएगा फोर्टीन आएगा लेकिन बड़ा नंबर ट्वेंटी माइनस में था आंसर माइनस में आएगा ठीक है फिर यहाँ पे आपका आगे माइनस फिफ्टीन है अपोन में ट्वेंटी माइनस माइनस प्लस नाइन आएगा जो कि माइनस में ही आएगा क्योंकि दोनों माइनस में है और अपॉन ये क्या हो गया आपका ट्वेंटी फोर हो गया अब इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा बताओ जरा इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा यस सर कि मैं माइनस ट्वेंटी नाइन फोर में क्या प्लस करूं कि वो आंसर जीरो हो जाए ध्यान से सुनना वो आंसर क्या हो जाए जीरो हो जाए तो मैं इसमें 29 24 सीधे 29 24 khoajak, रख, प्लस ट्वेंटी और एडिटिव इनवर्स होगा वो होगा प्लस ट्वेंटी नाइन अपॉन ट्वेंटी फोर ये आपका आंसर आएगा क्लियर है ये सर क्लियर है बढ़िया तरीके से आपको यहाँ पे क्लियर हो गया ओके क्लियर है ना चलो नेक्स्ट देखो ठीक hmm. है कम इन प्लेस ऑफ एक्स सो दैट द नंबर ये नंबर से कंप्लीट डिवाइड हो जाए अब एक्स की क्या वैल्यू होगी कि वो एट से कंप्लीट डिवाइड हो ठीक है तो हमने क्या करना है एट का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करना है एट का डिविजिबिलिटी रूल आपसे कहता है क्या कहता है कि जो लास्ट के थ्री डिजिट होते हैं अगर वो एट से कंप्लीट डिवाइड है मतलब जो एट डिजिट है एक्स थ्री तो ये यह यहाँ पे है ना थ्री यह है यहाँ पे एक्स नाइन सिक्स एक्स नाइन सिक्स अगर ये एट से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है है ना अगर ये एट से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है मतलब रिमाइंडर आपको जीरो मिलता है हम कहेंगे ये पूरा नंबर एट से डिवाइड होगा अब आपको ऑप्शन से, से करना है ऑप्शन फिट करो इसमें पहला ऑप्शन ए वन है तो ये नंबर क्या हो गया? 196 हो गया गया इसे एट से डिवाइड करो एट टू जिक्सटीन थ्री बचा थर्टी सिक्स नहीं हो रहा है ए वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया फिर हम क्या करेंगे बी की वैल्यू रखेंगे वहां पे मैंने टू रख दिया टू हंड्रेड नाइनटी सिक्स अपोनेट में से एक क्वेश्चन ऑप्शन से करोगे इसे करोगे एट थ्री जा ट्वेंटी फोर एट थ्री या ट्वेंटी फोर कितना फाइव है ना नाट थ्री ट्वेंटी आपको कंप्लीट डिवाइड हो गया इट यहाँ पे नंबर रखू एट फोर थ्री टू और यहाँ पे मैं क्या कर करूँ ये एक्स की जगह अगर मैंने बी ऑप्शन रख दिया यहाँ पे टू तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा एट से हमारा करेक्ट आंसर बी हो जाएगा कहाँ से करा मैंने ये डिविजिबिलिटी रूल से करा हर बार क्वेश्चन आपसे ऐसा आएगा ही आएगा नेक्स्ट देखो चेक वेदर द नंबर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन फोर इज डिविजिबल बाय इलेवन और नॉट क्या ये नंबर इलेवन से डिविजिबल हो रहा है आपको इलेवन का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए इलेवन का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि कोई भी नंबर है आपके पास आपको उसमें क्या करना है जो ऑर्ड प्लेसेस की जो डिजिट होती हैं और जो इवेंट प्लेसेस की डिजिट होती हैं उनके सम का डिफरेंस निकालना है ठीक है तो सबसे वो भी मैंने आपको बता रखा है यहाँ मैं जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ हर चीज़ आपको वीडियो में मैंने पहले बता दी प्लेस से देख लेना प्लेस में मिल जाएगी ठीक है इनकी हमें नंबरिंग करनी है ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नंबरिंग कर ली है सर कर ली अब ऑर्डर प्लेस पे क्या है प्लेस मैं पहले ऑर्ड प्लेस का सम निकाल रहा हूँ ठीक है सम ऑफ ऑर्ड प्लेस डिजिट सम ऑफ डिजिट ठीक है ऑर्ड प्लेस पे क्या है देखो ये वन थ्री फाइव सेवन ये ऑर्ड नंबर है ऑर्ड प्लेस है ना इनके नंबर का सम निकालना है ऑर्ड प्लेस वन पे वन है प्लस ऑर्ड प्लेस थ्री पे थ्री है प्लस ऑर्ड प्लेस फाइव पे फाइव है ठीक है प्लस और प्लेस सेवन पे सेवन है ठीक है इसे हम प्लस करेंगे हमें क्या मिलेगा और तो नहीं कुछ नहीं वन थ्री कितना हो गया फोर फोर फाइव नाइन नाइन सेवन कितना होता है सिक्सटीन होता है ओके फिर हम क्या करेंगे सम ऑफ सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट हम इवन प्लेस डिजिट का सम निकालेंगे इवन प्लेस पे क्या है टू पे टू है प्लस फोर पे फोर है प्लस सिक्स पे सिक्स है प्लस एट पे फोर है ठीक है अब हमने इसे क्या करना है इसे प्लस करना है टू प्लस फोर कितना होता है सिक्स 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 ट्वेल्व ट्वेल्व फोर कितना होता है बारह चार सोलह होता है अब हमने इनका डिफरेंस निकालना है ठीक है हमने किसका डिफरेंस निकालना है प्लेस इवन प्लेस डिजिट और प्लेस डिजिट का ऊपर भी आया सिक्सटीन नीचे भी आया सिक्सटीन सिक्सटीन माइनस जीरो और आपको डिजिबिल रूल पता होगा अगर ये डिफरेंस जीरो आता है या इलेवन आता है या इलेवन का मल्टीपल आता है हम कहेंगे ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा तो इसका आंसर है यस It's complete divisible by 11. Yeah. The request. तो प्रॉपर वे आप लोगों की क्लासेस चल रही है ठीक है मोस्ट ट्रस्टेड इंस्टीट्यूट हम लोगों का आपको देखो सैनिक स्कूल की लाइव रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है एनी टाइम डाउट रहता है कंप्लीट प्रिपरेशन यहाँ पे होती है ठीक है चलो नेक्स्ट कर लो चेक वेदर द नंबर टू एट इज डिविजिबल बाई एट और नॉट जो वन सेवन टू एट है क्या ये एट से डिवाइड होगा कि नहीं होगा हमने एट का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करना है कि जो लास्ट की जो तीन डिजिट होती हैं अगर वो एट से कंप्लीट डिवाइड होंगी तो वो कंप्लीट डिवाइड होगा हालांकि यहाँ पे तो चार ही डिजिट आप इसीलिए कर लोगे पर देखो ये हो जाएगा सेवनटी टू एट वन जे एट, एट कंप्लीट हो रहा है तो ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा ठीक है आप करोगे तो ये हो जाएगा, एट टू जै सिक्सटीन वन बचा ट्वेल्व एट वन जे एट एट सिक्स टू वन सिक्स आएगा आंसर है ना तो बस ये भी आपका डिविजिबल होगा यस इट्स डिविजिबल ओके नेक्स्ट एट क्वेश्चन राइट द एडिटिव इनवर्स इनवर्सन अपॉइंट माइनस फाइव अपॉन सिक्स क्वेश्चन मैंने दिया है ये कई बार पूछे ऐसे क्वेश्चन जाते हैं ठीक है थीका? तो हमने इसमें इजीली क्या करना पहले इसको सॉल्व करना है एडिटिव इनवर्स तो आप समझ ही गए कि मैं उस नंबर में क्या प्लस करू कि आंसर जीरो आ जाए तो अपॉइंट माइनस फाइव अपॉन सिक्सटीन इनका हमने क्या करना है एलसीएम लेना है ठीक है सिंप्लीफिकेशन आपने देख रखा है पहले तो सही बात है नहीं देख रखा है तो फिर से आएगी फिलहाल के लिए ये आएगा इसका फोर्टी एट ठीक है फोर्टी एट एट को किससे मल्टीप्लाई करा फोर्टी एट आया सिक्स से वन को भी सिक्स से करोगे ठीक है ट्वेल्व को किससे करा फोर्टी एट आया 4 से उसके करोगे किससे को फोर्टी एट 48 सिक्सटीन थ्री फोर्टी एट इस फाइव को भी थ्री से करोगे फाइव थ्री 15 फिफ्टीन प्लस कर लो 20 से छब्बीस हो गया ना बीच आपका कितना हो गया छब्बीस हो गया सॉरी ये माइनस है सॉरी सॉरी ये बीच में यहाँ पे माइनस है ट्वेंटी प्लस सिक्स कितना होता है ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सिक्स माइनस फिफ्टीन अपॉन फोर्टी एट ट्वेंटी माइनस फिफ्टीन करोगे पांच में से छह गया एक दो में से एक गया एक इलेवन अपॉन फोर्टी एट ये आंसर आया आपका प्लस में हमें इसका एडिटिव इनवर्स साइन अपोजिट हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा जो आंसर आएगा वो बनेगा आपका माइनस इलेवन अपॉन फोर्टी एट अगर मैं उसमें प्लस करता हूँ तो आंसर जीरो आ जाएगा समझ आपको आ गया ओके देखिए ठीक है ठीक है, है तो भाई वीडियो को क्या करना है लाइक like करना है अच्छे से दबा दो ठीक है चलो नेक्स्ट देखो फिर आपका ऑन डिवाइडिंग वन सिक्स एट नाइन जीरो सर्टेन नंबर किसी नंबर से मैं इसे डिवाइड कर रहा हूं द कोसेंट इज वन ट्वेंटी थ्री जो कोसेंट होता है वो वन ट्वेंटी थ्री आता है एंड रिमाइंडर थर्टी नाइन आता है डिवाइजर आपको फाइंड करना है यार सबसे पहले देख लो बेसिक देखो बेसिक मैं आपको बताता हूँ बेसिक मैं आपको बताता हूँ क्या बताता हूँ जिस नंबर से आप डिवाइड करते हो उसे हम क्या कहते हैं डिवाइजर कहते हैं जिस नंबर को आप डिवाइड करते हो उसे हम क्या कहते हैं डिविडेंड कहते हैं जो आपका यहाँ आपने मल्टीप्लाई करा होगा उसे हम क्या कहते हैं कोसेंट कहते हैं और जो आंसर आपको लास्ट में आता है उसे हम क्या कहते हैं उसे हम सर रिमाइंडर कहते हैं जो बच जाता है वो आपका रिमाइंडर होता है ठीक है यहाँ पे आपको दे रखा है क्या दे रखा है अच्छा इससे पहले इसे वेरीफाई करने के लिए आपने एक चीज पढ़ी होगी कि जो डिविडेंड होता है डिविडेंड हमें कैसे मिलेगा अगर मैं क्या कर दूंगा इस डिवाइजर को जो डिवाइजर होता है अगर मैं उसे कोसेंट से मल्टीप्लाई कर दूं और उसमें मैं रिमाइंडर को प्लस कर दूं मुझे डिविडेंड मिलेगा डिविडेंड इज इक्वल टू होता है डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है यहाँ पे देखो हमें क्या बोला है हमें डिवाइजर निकालना है तो यहाँ से आप डिवाइजर का फॉर्मूला बना सकते हो ठीक है यहाँ से आप डिवाइजर का फॉर्मूला बना सकते हो इसी में आप सीधे इसी वाले फॉर्मला में वैल्यू रखोगे लास्ट में डिवाइजर की वैल्यू निकालोगे बट अगर आपको डिवाइजर का फॉर्मला निकाले तो डिवाइजर इज इक्वल टू क्या होगा ये यहाँ पे आपका डिविडेंड है ध्यान से देखना ये आपके यहाँ पे डिविडेंड है ठीक है अपॉन यहाँ पे डिवाइजर के साथ ये कोसेंट मल्टीप्लाई है तो ये कोसेंट नीचे आएगा ठीक है रिमाइंडर यहाँ प्लस है इक्वल के दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा तो आपके पास क्या बना

एंड रिमाइंडर इज थर्टी नाइन रिमाइंडर थर्टी नाइन है और को क्या है कोशेंट कितना आया को आया आपका वन ट्वेंटी थ्री चलो इसे सॉल्व करोट इज इक्वल टू वन सिक्स एट नाइन जीरो माइनस थर्टी नाइन करोगे टेन माइनस नाइन आपका वन हो जाएगा वहाँ पे एट एट माइनस ए आपका फाइव हो गया यहाँ पे एट ही रहेगा यहाँ पे सिक्स ही रहेगा यहाँ पे आपका वन ही रहेगा सही है वन सिक्स एट फाइव वन अपॉन में हम इसे किससे करेंगे वन ट्वेंटी थ्री से करेंगे अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको आंसर आएगा कि आपको आंसर मिलेगा आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको वन थर्टी सेवन अब चेक कर लो कि क्या आपका वन थर्टी सेवन आया कि नहीं आया और ट्राई करो यार एक बार ना सारे क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके एक बार अपने आप करने का कर ट्राई करो ठीक है एक बार आपको अपने आप करना है अपने आप करोगे तो फिर इजिली आपको वहाँ पे पहले देख लो अपने आप से होगा तो ज्यादा मजा आएगा जहां फंस जाओगे वहां फिर पॉज पॉज को फिर स्टार्ट कर दो उसके बाद देख लो ठीक है तो इसका आंसर क्या आएगा वन ठीक है वन सिक्स एट

फोर्टी जब फोर्टी सेवन नाइन माइनस सेवन करोगे टू फाइव माइनस फोर करोगे वन फिर से आपने यहाँ से क्या ले लिया ये टू ले लिया फोर्टी सेवन को किससे करेंगे आएगा से करेंगे, 1, आएगा, 3 से करेंगे 3, 27, 21 का ज़्यादा हो रहा है तो किससे करेंगे थ्री से करेंगे थ्री से, तो से ही तो ज्यादा हो रहा था ना तो टू से करेंगे 2, 7, 14 का माइनस करोगे बारह में से चार गया कितना हो गया एट हो गया वहां पे इलेवन नाइन टेन इलेवन टू ट्वेंटी एट आपका यहाँ पे रिमाइंडर आ गया अब ध्यान से देखो यार हमें बोला है कि ये नाइन 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 कम्प्लीट डिवाइड होना चाहिए कम्पलीट डिवाइड का मतलब क्या होता है कि सर रिमाइंडर जीरो आता है क्या क्या आता है रिमाइंडर जीरो आता है अगर यहाँ पे रिमाइंडर जीरो लाने के लिए अगर मैं ट्वेंटी एट को इसमें से माइनस कर देता पहले ही तो रिमाइंडर जीरो आ जाता इट मीन्स अगर मैं इसमें से ट्वेंटी एट को माइनस कर दू नाइन माइनस एट आपका वन हो जाएगा ठीक है नाइन माइनस एट आपका कितना हो जाएगा वन हो जाएगा और फिर आपके यहाँ पे नाइन माइनस टू करोगे तो कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा नाइन माइन एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक और चीज़ है यहाँ पे एक एक और चीज़ है भाई यहाँ पे ठीक है एक और चीज़ चलो पहले माइनस कर ही लेते हैं नाइन माइनस टू करोगे तो कितना हो गया अरे बोलो नाइन माइनस टू करोगे सेवन हो गया फिर यहाँ पे नाइन का नाइन होगा यहाँ पे नाइन का नाइन होगा अब आपने देखा ये हमें मिला क्या नाइन नाइन सेवन वन मिला ठीक है नाइन नाइन सेवन वन मिला अब आपने चेक करना कि सर क्या नाइन नाइन सेवन वन उससे कंप्लीट फोर्टी सेवन से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है ठीक है चेक करो देखो आप अपना आंसर वेरीफाई कर लो कि सर नाइन नाइन जो ये आपका सेवन नाइन है नाइन नाइन सेवन वन सॉरी नाइन नाइन सेवन वन आपको चेक करना है कि वो फोर्टी सेवन से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है बोलो हुआ है कि नहीं हुआ है आप देखोगे कि सर ये फोर्टी सेवन से तो कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ है इट मीन इट मीन इट मीन्स कुछ तो गड़बड़ हम लोगों ने कर दी है तो गड़बड़ कहाँ पे करी देख लो चेक कर लो माइनस सही है नाइन माइनस फोर फाइव हो गया वो जीरो हो गया यहाँ से आया आपका नाइन ठीक है और फिर ये 47 47 हो गया सेवन, टू, अच्छा ना मैंने यहाँ पे टू लिख लिया देख रहे हो मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया था टू पता नहीं कहाँ से लिख लिया देख रहे हो यार देख रहे हो देख रहे हो टू पता नहीं कहां से यहाँ से तो नाइन आना चाहिए था ना यहाँ पे आप लोग कन्फ्यूज हो गए सर ने टू कैसे लिख लिया ठीक है अब थ्री टाइम जाएगा थ्री ट्वेंटी वन कैरी टू थ्री फोर जाए ट्वेल्व नहीं ज्यादा जाएगा तो वो टू टाइम जाएगा नाइनटी फोर अब इसे माइनस करेंगे तो नाइन माइनस फोर करोगे इतना आएगा फाइव और यहाँ पे बारह में से नौ करोगे थर्टी फाइव अब इसमें से अगर हम थर्टी फाइव माइनस करेंगे तो देखो क्या आएगा 35, दिख, को से से आंसर वेरीफाई करना बाकी ऑप्शन ऑप्शन मैंने इसमें नहीं दिए वो तो इजीली कर लेते नाइन माइनस फाइव करोगे तो आपको मिलेगा फोर नाइन माइनस थ्री करोगे तो आपको मिलेगा क्या सिक्स नाइन का नाइन नाइन का नाइन 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 सिक्स आपका करेक्ट है चेक कर सकते हो डिवाइड हो जाएगा नाइन नाइन सिक्स ओके यस सर नेक्स्ट देखो फिर इफ फाइव एस्टेस्टिक जो एक मार्क है यहाँ पे फाइव स्टार टू इज डिविजिबल बाई सिक्स देन स्टार इज स्टार की वैल्यू क्या होगी अब आपको देखना है सिक्स सिक्स का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि सर जो नंबर टू से भी कंप्लीट डिवाइड होता है और थ्री से भी कंप्लीट डिवाइड होता है तो सिक्स से भी कंप्लीट डिवाइड हो जाता है ऐसे हम इसे करेंगे नंबर क्या है आपके पास नंबर है मेरे पे फाइव और जो भी है ये स्टार यहाँ पे टू है क्या ये नंबर टू से डिवाइड हो रहा है यस सर टू से तो कंप्लीट डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट डिजिट वहां पे टू है जीरो टू फोर सिक्स तो तो से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा थ्री से चेक करो थ्री से अगर मैंने इनको प्लस कर दिया फाइव प्लस जो ये कुछ भी क्वेश्चन नंबर होगा यहाँ पे प्लस टू फाइव प्लस टू करा तो मुझे क्या मिला सेवन और सेवन प्लस ये क्या हो जाएगा यहाँ पे एस्टेटिस्टिक्स अब देखो इस सेवन को इस पूरे नंबर को यहाँ पे थ्री से डिविजिबल होने के लिए क्या चाहिए ठीक है टेबल में आना चाहिए थ्री से डिवाइड होना चाहिए तो डिवाइड करने के लिए मैं क्या कर दूंगा इसमें आपको सीधे दिख रहा है कि अगर मैं यहाँ पे सेवन प्लस इसमें मैं टू कर दूं, तो ये कितना हो जाएगा नाइन हो जाएगा जो कि थ्री से भी कम के डिवाइड हो जाएगा फिर सिक्स से भी हो जाएगा तो हमने क्या रखी इसकी वैल्यू टू रख दी आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा टू क्लियर है ऐसे करोगे ठीक है तो भाई बढ़िया तरीके से आपके फुल कोर्स आपका चल रहा है सैनिक स्कूल मिल्ट्री स्कूल जो भी आपका गोल है डेली क्लासेस होती हैं रिकॉर्डेड लेक्चर भी अवेलेबल होते हैं डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपको मिलती है वीकली टेस्ट होता है मंथली टेस्ट होता है आपका स्पेशल टेस्ट सीरीज में आपके लिए लेके आता हूँ एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज आपको रहती है ट्वेंटी फोर इंटू हमेशा मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ कंप्लीट प्रिपरेशन होती है और बहुत 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 मिनिमम फी पे प्रिपरेशन होती है आप कॉल कर सकते हो व्हाट्सअप कर सकते हो और मस्त तरीके से आप लोग अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हो बढ़िया तरीके से सारा

बाकी मैंने आपको बताया था कि कैसे आपको चेक करना है कि बड़े बड़े नंबर कौन से प्राइम है और कौन से प्राइम नहीं है वो भी आप चेक कर सकते हो नेक्स्ट है विच ऑफ दंबर इज डिजिबल बाई ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर से कौन सा यहाँ पे डिवाइड होगा ट्वेंटी तो फोर का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो ये होता है कि अगर कोई नंबर थ्री से भी डिवाइड हो रहा है और एट से भी डिवाइड हो रहा है दोनों से अगर वो डिवाइड हो रहा है तो वो ट्वेंटी फोर से भी डिवाइड हो जाएगा ठीक है ट्वेंटी फोर का क्या है तो वो थ्री से भी होना चाहिए फोर से एट से भी होना चाहिए ठीक है फिर वो कंप्लीट डिवाइड पूरा नंबर हो जाएगा चेक कर लो थ्री का तो है भाई कि सबको प्लस करना पहले मैं ए ऑप्शन को लेके चलता हूँ जब मैं यहाँ पे ए ऑप्शन को लेके चला इसको मैं थ्री से चेक कर रहा हूँ क्या ये नंबर थ्री से डिवाइड हो रहा है प्लस कर लो एट वन नाइन नाइन सेवन सिक्सटीन सिक्सटीन फाइव ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन थ्री कितना होता है ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर आ रहा है तो ये थ्री से तो भाई कंप्लीट डिवाइड हो रहा है थ्री से तो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है एट से प्लस कर एट से चेक करते 8 एट से होगा एट का कहता है कि लास्ट के दो डिजिट तीन डिजिट देखो अगर वो हो रहे हैं तो पूरा हो जाएगा ये हो जाएगा एट एट जो सिक्सटी फोर आपने क्या करा एट एट या सिक्सटी फोर करा सिक्सटी फोर करा तो वहाँ पे कितना बचा सिक्स सेवन बचा सेवेंटी एट क्या सेवनटी एट एट से होता है नहीं होता है ये एट से नहीं हो रहा एट से नहीं हो रहा तो फिर हम दे हमने देखा कि ट्वेंटी फोर से भी नहीं होगा क्योंकि तो ट्वेंटी फोर से होने के लिए उसका दोनों से होना जरूरी है फिर आप ऐसे करके एक एक ऑप्शन चेक करते जाओगे ठीक है फिर आप अगर लास्ट ऑप्शन यहाँ पे चेक करोगे इसे प्लस करोगे थ्री वन फोर फोर टू सिक्स सिक्स फाइव इलेवन इलेवन सेवन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन और सिक्स करोगे तो ट्वेंटी सेवन ठीक है ट्वेंटी तो ट्वेंटी सेवन आएगा थ्री से तो ये कंप्लीट डिवाइड हो गया एट से चेक करोगे लास्ट के थ्री सेवन थ्री सिक्स एट नाइन जा होता है सेवेंटी टू वन बचा सिक्सटीन एट टू जा सिक्सटीन कम्प्लीट डिवाइड हो रहा है एट से भी थ्री से भी इट मीनस ये ट्वेंटी फोर से भी कंप्लीट डिवाइड होगा तो डी ऑप्शन आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा लाइक ठीक है, next है, है? है exactly 11. 11 से कौन divisible है? Divisibility rule आपको पता है कि पहले odd places को sum कर लो, उनका प्लस निकालो, even places का प्लस निकालो, उनका निकालो, निकालो, का डिफरेंस उनको माइनस कर दो अगर वो जीरो इलेवन या उसका मल्टीपल आता है हम कहेंगे वो नंबर कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा ठीक है ऐसे अगर आप इसे चेक करोगे आपको डी ऑप्शन सही मिल जाएगा ठीक है इसका डी ऑप्शन आपको करेक्ट मिल जाएगा परेशान नहीं होना है अच्छे से करना है डी इसका करेक्ट है नेक्स्ट देखो 15 विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ प्राइम नंबर इसमें से कौन सा एक प्राइम नंबर है है बता रखा कैसे चेक करना है तो इनमें से कोई भी प्राइम नंबर नहीं है ठीक है कोई भी इनमें से प्राइम नंबर नहीं है अगर आप वन वन को देखो तो ये सेवन से हो जाएगा सेवनटीन सेवन जैसे सत्रह सत सत्र होते हैं एक सौ उन्नीस तो ये तो डिवाइड हो रहा है one, eight, को करोगे तो 187 किससे होगा चेक कर सकते आप हो आप लोग साथ ही कार्ड आठ आठ से नहीं हो रहा थ्री से, से नहीं हो रहा सेवन से होगा सेवन वन जो सेवन सेवन टू जा फोर्टीन सेवन से नहीं होगा किसी से तो हो ही जाएगा वो भी है ना से होगा इलेवन से होगा इलेवन वन जाए इलेवन ये इलेवन से हो रहा है कंप्लीट ये भी करोगे चार दो तो छह सात छह तेरह ये भी हो जाएगा किसी से ठीक है तीन में से कोई भी ब्रांड नंबर आपका नहीं है ओके नेक्स्ट देखो इफ ए एंड बी आर ऑड नंबर ए और बी अगर आपके ऑड नंबर हैं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इवन तो में से कौन सा ऑप्शन इवन होगा ध्यान से देखना ए है ए है और बी है आपको बोला ये दोनों ऑड नंबर है ये भी आपका ऑड है ये भी आपका ऑड है एग्जाम्पल के लिए मैं ए की वैल्यू मैंने वन मान ली ऑड नंबर है बी की वैल्यू मैंने थ्री मान ली ऑड नंबर है अब आपको ऑप्शन पे जाओ कौन सा ऑप्शन इनमें से सही होगा मैं सबसे पहले फर्स्ट वाले ऑप्शन पे गया कि मैंने वन प्लस थ्री करा वन प्लस ए की वैल्यू वन मानी थी बी की वैल्यू थ्री मानी है मैं ये सिखा रहा हूँ कि आप अपने आप भी कर सकते हो है ना वन प्लस थ्री करोगे आपको क्या मिलेगा फोर मिलेगा क्या फोर इवेंट नंबर है बोला है कि कौन सा इवेंट हो गई है सर इवेंट है ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा ठीक है ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा अगर आप चेक करने के लिए इसमें जाओ देखो ए की वैल्यू हमने वन रखी है बी की वैल्यू हमने यहाँ पे थ्री रखी है प्लस वन करोगे तो कितना आएगा वन थ्री फोर फोर वन करोगे फाइव है जो कि प्राइम जो कि इवेंट नंबर आपका है नहीं कुछ भी आप इसमें नंबर रख लो अगर मैंने ए की वैल्यू जैसे थ्री मान लिया या सेवन मान ली और प्लस बी की वैल्यू मैंने इलेवन मान ली तो ये कितना आएगा एटीन आएगा एटीन भी इवेन नंबर है ठीक है तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा ऐसा भी आपको क्वेश्चन रहते हैं नेक्स्ट है ऑन डिवाइडिंग टू टू सेवन टू एज वेल एज एट सेवन फाइव बाई थ्री डिजिट एन बाई थ्री डिजिट नंबर एन वी गेट द सेम रिमाइंडर द सम ऑफ द डिजिट ऑफ एन कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ध्यान से देखो इसमें आपको बोला है कि जब मैं क्या करता हूँ टू टू सेवन टू को टू टू सेवन टू को किससे डिवाइड करता हूँ टू टू सेवन टू को मैं किससे डिवाइड करता हूँ बाई थ्री डिजिट नंबर एन मैं किसी थ्री डिजिट नंबर जो कि मैंने एन मान रखा है क्वेश्चन उसे एन मान रखा है ये एन थ्री डिजिट का नंबर है एन कोई थ्री डिजिट का नंबर होगा मैं जब इसे डिवाइड करता हूं तो मुझे क्या मिलता है वी गेट द सेम रिमाइंडर हमें सेम रिमाइंडर मिलता है उसे मैंने आर मान लिया सेम रिमाइंडर मिल रहा है कि जब मैं एट सेवन फाइव को भी इसी थ्री डिजिट नंबर से डिवाइड कर रहा हूं तो मुझे रिमाइंडर सेम मिल रहा है मतलब जो रिमाइंडर यहाँ पे आएगा वो ही रिमाइंडर आपका यहाँ पे भी आएगा ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट तो अब इसको ध्यान से हम लोग थोड़ी समझने का ट्राई करते हैं कि भाई यहाँ पे बोला क्या जा रहा है और फिर बोला कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ एन ठीक है तो ध्यान से यार आप लोगों को यहाँ पे थोड़ी एक चीज समझनी है कि यहाँ पे सबसे पहले आपको क्लू दे रखा है क्लू क्या दे रखा है कि भाई रिमाइंडर सेम है जब भी ऐसे केसेस आपके सामने आए ना तो आप इसको एक तरीके से कर सकते हो किस तरीके से कर सकते हो देखो मैं यहाँ पे कर लेता हूं मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कि दो ये एक नंबर टू टू सेवन टू है ठीक है और दूसरा नंबर एट सेवन फाइव है तो जब मैं इन दोनों नंबर को डिवाइड करता हूँ और उनके अगर मैं उसमें से रिमाइंडर निकालता हूं ध्यान से देखना मैं ये कहना चाह रहा हूँ ये टू टू सेवन टू था इसका जो कुछ रिमाइंडर आ रहा होगा आर ठीक है और ये एट सेवन फाइव है ठीक है और ये आपका क्या है ये एट सेवन फाइव है इसका भी आपका कुछ क्या आ रहा होगा इसका भी आपका कुछ आ रहा है कुछ क्या आ रहा है इसका भी रिमाइंडर आ रहा है कुछ इसका रिमाइंडर आ रहा है ठीक है और दोनों का रिमाइंडर सेम आ रहा है तो मैं अगर इसमें से रिमाइंडर को माइनस कर दूं ध्यान से देखना इसमें से अगर मैं किसी रिमाइंडर को माइनस कर दूं और फिर उसे उस थ्री डिजिट नंबर n से डिवाइड करो तो वो कंप्लीट डिवाइड होगा इस बात को मान लो हो। क्या होगा कंप्लीट डिवाइड होगा फिर मैंने क्या करा जो 875 था इसमें से जो रिमाइंडर आ रहा होगा कुछ उसे भी मैंने माइनस कर दिया और फिर मुझे जो नंबर मिला होगा वो भी क्या हो रहा है वो इस थ्री डिजिट नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है ये चीज सब लोगों को क्लियर होगी ये चीज आप सब लोगों को क्या होगी क्लियर होगी अब देखो अब हमने क्या करना हमने इक्वेशन को ना क्योंकि सेम सेम है यहाँ पे रिमाइंडर सेम आ रहा है यहाँ पे भी रिमाइंडर सेम आ रहा है डिवाइड करूंगा तो, तो पूरा डिवाइड हो जाएगा इसे भी मैं डिवाइड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा सबको ये बात क्लियर है डिवाइड हो जाएगा तो मैंने इनको क्या मान लिया इक्वल हो जा रहे हैं मैंने इनको इक्वल मान लिया ठीक है मैंने को क्या मान लिया इक्वल मान लिया क्योंकि यहाँ भी एन थ्री डिजिट है यहाँ भी एन थ्री डिजिट है दोनों वो डिवाइड कर, कर रहे हैं इक्वल नंबर रिमाइंडर को माइनस कर रो डिवाइड हो रहा है रिमाइंडर को माइनस कर रो डिवाइड हो रहा है फिलहाल के लिए मैंने इसको क्या मान लिया इक्वल मान लिया अब मैं इसको ना इस वाले को मैं इस साइड ले आता हूँ ठीक है जो ये वाला है इस वाले टर्म को मैं इसी साइड ले आया इक्वल के साइड ले जाऊंगा उसके साइन चेंज हो जाएंगे देखो ये टू टू सेवन टू था टू टू सेवन टू है ठीक है और यहाँ पे माइनस आर है मैं इसको जब यहाँ ले आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपको ऊपर वाला टर्म हो जाएगा माइनस एट सेवन फाइव और ये माइनस आर था यहाँ के प्लस आर हो जाएगा तो अपॉन में यार एन एन ही अपॉन में हमने इसे एन ही मानना है क्योंकि थ्री डी तो वो रहेगा ही ना उसे माइनस मत कर देना उसे अगर हम एन माइनस एन करेंगे तो वो तो यार जीरो हो जाएगा समझ तो रहे हो ना वो क्या हो जाएगा वो तो आपका बिल्कुल 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 जीरो हो जाएगा डिवाइजर कभी भी, भी जीरो नहीं होगा डिवाइजर कभी भी, भी जीरो नहीं होगा अब इसे देखो ये प्लस में आ रहा है ये माइनस में आ रहा है प्लस में आ रहा है वो कैंसिल हो गया अभी टू टू सेवन टू माइनस एट सेवन फाइव करेंगे हम तो हमें क्या मिलेगा बारह में से पाँच गया तो सात मिलेगा और वहां पे छः सोलह हो गया सोलह में से सात गया तो आपको कितना मिला नाइन मिला और ये थ्री हो जाएगा ये वन हो जाएगा वन थ्री नाइन सेवन अपॉन क्या है अपॉन आपका एन है इतनी बात आपको भाई clear यहां पे हो गई। अब हमने क्या करना है जो ये है ना इसके आपने प्राइम फैक्टर आप तो से, से, तो से चेक करो तीन एक चार नौ चार तेरह तेरह सात बीस थ्री से भी नहीं हो रहा फाइव से होगा नहीं सेवन से चेक कर लो सेवन वन जे सेवन सिक्स बचा सिक्सटी नाइन सेवन नाइन जे सिक्सटी थ्री सिक्सटी सेवन नहीं हो रहा इलेवन से चेक करो। इलेवन वन जा। इलेवन ट्वेंटी नाइन इलेवन टू जा ट्वेंटी जावन से हो रहा है ठीक है इलेवन से डिवाइड हो रहा है अगर मैं करूँगा तो हो जाएगा इलेवन वन जा। इलेवन वहाँ पर कितना बचा दो बचा ये ट्वेंटी हो गया इलेवन टू जावन ट्वेंटी बचा सेवेंटी सेवन इलेवन सेवन जावेंटी सेवन बच गया ठीक है इलेवन सेवन जावन सेवन तो अब देखो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ इलेवन प्राइम फैक्टराइजेशन करे इलेवन इंटू वन हंड्रेड ट्वेंटी सेवन इलेवन इंटू वन हंड्रेड ट्वेंटी थ्री डिजिट नंबर से ये डिवाइड हो रहा है थ्री डिजिट नंबर से डिवाइड हो रहा है. डिजिट नंबर कौन सा इसमें वन ट्वेंटी सेवन है, है. तो इनको प्लस कर दो वन प्लस टू प्लस सेवन दो एक तीन और सात तीन कितना हो गया दस हो गया आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा टेन ठीक है ऐसे करोगे ओके सर

नाइन का डिविजिविटी रूल कहता है कि सबको प्लस कर दो वन प्लस एक्स प्लस टू प्लस वाई प्लस सिक्स प्लस जेड अगर ये नाइन से कंप्लीट डिवाइड होता है इनका सम हम कहेंगे कि पूरा नंबर डिवाइड होगा ठीक है अब मैं देखो वन प्लस जो नंबर है उनको कर लो वन प्लस टू थ्री थ्री प्लस सिक्स नाइन ये तो अपने आप नाइन आ गया Nine, nine से डिवाइड हो जाएगा मतलब पूरा नंबर डिवाइड होगा तो फिर मैं एक्स की वैल्यू क्या मान लो अरे देख लो मैं एक्स की वैल्यू जीरो मान सकता हूँ वाई की वैल्यू जीरो मान लूंगा जेड की वैल्यू जीरो मान लूंगा अब तुम एक्स प्लस वाई प्लस जेड भी करोगे तो एक्स की वैल्यू जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो करोगे जीरो ही आएगा जो कि हमें ऑप्शन में दिया ऑप्शन से जाओगे हमेशा है ना क्योंकि तो यहाँ पे स्टार्ट में ही नाइन आ गया नाइन आपको पता है कंप्लीट डिवाइड होगा नाइन से तो पूरा नंबर भी कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा ठीक है ऐसे करोगे इसको जीरो आपको मिल गया ठीक है अगर आप नाइन के बाद देखोगे तो ये एटीन बनना चाहिए ऐसा भी आप चेक कर सकते हो कि सर नाइन तो, तो चलो हमें मिल गया अगर मैं एक्स वाई जेड की कोई और वैल्यू निकालना चाहूँ तो फिर यहाँ पे प्लस करके एटीन बनना चाहिए नाइन बन गया मुझे नाइन और चाहिए ठीक है तो नाइन और चाहिए तो आप इसको समप करके देख सकते हो कि क्या होगा तो फिर आपको ये तीनों ऑप्शन नहीं मिलने वाले ठीक है क्योंकि क्यों इसी तरीके से डिजाइन है तो बस ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था भाई पूछा जाता है क्वेश्चन ठीक है नेक्स्ट देखो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर बहुत सिंपल है रेशनल नंबर की मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है पहली बात मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी से क्या समझते हो कि मैं इस टू को इससे मल्टीप्लाई करूं कि उसकी आइडेंटिटी मुझे टू मिल जाए आप बोलोगे सर वन से करोगे तो किसी भी नंबर की होल नंबर हो रैशनल नंबर हो उसकी जो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी होती है वो वन ही होता है करवाया था आपको फिर है इफ वाई डिनोट्स द डिजिट एट हंड्रेड प्लेस ऑफ द नंबर इतना सच दैट द नंबर इज डिजिबल बाई इलेवन वैल्यू ऑफ वाई इज बहुत बढ़िया क्वेश्चन है इसमें बोले आपको कि जो ये वाई है इस नंबर में जो वाई है नंबर क्या है सिक्स सेवन वाई वन नाइन इसमें क्या करा जा रहा है जो y है y क्या डिनोट कर रहा है y डिनोट वाई डिनोट डिजिट एट हंड्रेड प्लेस ऑफ द नंबर वाई दिख रहा है जो ये नंबर है ये इलेवन से डिवाइड हो रहा है कंप्लीट डिवाइड हो रहा है तो y की वैल्यू क्या होगी मतलब इलेवन का डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पे अप्लाई कर दो हमने नंबर लिखा सिक्स सेवन वाई वन नाइन इसमें ऑर्ड प्लेस डिजिट सम और इवेंट प्लेस डिजिट का फंडा है सीक्वेंस कर लो नंबरिंग डाल लो वन टू थ्री फोर फाइव सबसे पहले सम ऑफ ऑर्ड प्लेस ऑर्ड प्लेस क्या है ऑर्ड प्लेस पे एक सिक्स है प्लस ऑर्ड प्लेस पे वाई है प्लस ऑर्ड प्लेस पे नाइन है इसको प्लस करोगे नौ छः पंद्रह फिफ्टीन प्लस वाई होगा इवेंट प्लेस पे जाओ क्या है सेवन है टू पे ठीक है प्लस फोर पे वन है सेवन वन करोगे क्या मिलेगा एट मिलेगा इनका हमें डिफरेंस निकालना होता है तो फिफ्टीन प्लस वाई माइनस एट करेंगे फिफ्टीन माइनस एट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा पंद्रह में से आठ या हमें क्या मिलेगा सेवन मिलेगा ठीक है सेवन प्लस वाई अब बताओ हमने ने इलेवन का डिजिविटी रूल पढ़ा है कि या तो डिफरेंस जो होना चाहिए या तो जीरो आना चाहिए या इलेवन आना चाहिए या उसका मल्टीपल आना चाहिए अब सेवन तो ऑलरेडी आ गया जीरो तो अब ये पूरा बन नहीं सकता तो हम इसको इलेवन बना सकते हैं इलेवन बनाने के लिए मैं क्या करूँगा वाई की वैल्यू क्या लिख लूंगा फोर लिख लूंगा और सेवन प्लस फोर इलेवन हो जाएगा बस ये ऑप्शन आपके यहाँ आप पे करेक्ट है कोई दिक्कत ही नहीं है भाई ठीक है नेक्स्ट है अगर ये नंबर मल्टीपल है 11 का 11 का मल्टीपल अभी ये डिविजिबिलिटी रूल से चल रहे हैं क्वेश्चन क्वेश्चन पूरा नंबर सिस्टम करवा रखा है भाई आपको ठीक है वेयर ए इज ए इज द डिजिट द वैल्यू ऑफ ए इसमें भी आपको सेम चीज करनी है नंबर है आपके पास 148101a095 इसमें हमने क्या करना है इसको सबसे पहले आपको नंबरिंग करनी है नंबरिंग मैं कर देता हूं 1 2 3 फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इतना मैंने कर लिया अब नंबरिंग करने के बाद मैं क्या कर दूंगा इनको मैं क्या कर दूंगा ऑड डिजिट ठीक है देखो भाई सम निकालना है मुझे सम ऑफ ऑड प्लेसेस डिजिट ओ पी डी ऑड प्लेसेस डिजिट क्या निकलेगा ऑड प्लेस पे वन है प्लस ऑड प्लेस पे फोर है सॉरी फोर नहीं है ऑड प्लेस पे एट है प्लस ऑर्ड प्लेस पे जीरो है प्लस सेवन पे फिर ए है प्लस नाइन पे फिर नाइन ही है ये आपकी ऑर्ड प्लेस है इसको सम निकालेंगे तो क्या आएगा आठ एक नौ और नौ नौ अट्ठारह एटीन ए हो जाएगा ठीक है सर फिर मैं क्या निकालूंगा सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट ई पी डी इवेंट प्लेस टू पे फोर है प्लस फोर पे वन है प्लस सिक्स पे वन है प्लस एट पे जीरो है प्लस टेन पे फाइव है इनको करेंगे प्लस फोर वन फाइव फाइव वन सिक्स सिक्स फाइव कितना होता है इलेवन होता है अब इनका डिफरेंस हमें निकालना होता है देख हो बड़े प्यार से करना है ठीक है डिफरेंस निकालोगे क्या आएगा एटीन ए माइनस इलेवन अच्छा ये एटीन प्लस ए होगा भाई दोस्त हाँ एटीन प्लस ए होगा ये एटीन प्लस ए माइनस इलेवन एटीन माइनस इलेवन करोगे क्या मिलेगा एट माइनस वन सेवन सेवन प्लस ए मिला अब देखो यार वही बात डिविजिबल बनाने के लिए तो सम जीरो या तो 0 आना चाहिए या इलेवन आना चाहिए या उसका मल्टीपल जीरो तो ये बन नहीं सकता ए की वैल्यू क्या कर दी फोर कर दी क्योंकि सेवन प्लस फोर करोगे इलेवन हो जाएगा तो इसका भी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया समझ सबको आया होगा विच ऑफ फॉलोइंग नंबर इज द लार्जेस्ट नंबर बहुत बढ़िया अब यहाँ पे देखो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का फंड आपको है, इनमें से सबसे बड़ा नंबर क्या है जीरो पॉइंट नाइन को अभी ऐसी रख दो, इसका मतलब जीरो पॉइंट नाइन है जीरो पॉइंट नाइन नाइन का मतलब क्या है कि सर जीरो पॉइंट 9, जितने नंबर के ऊपर बार होता है सिखा रखा है वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है ये नंबर कभी खत्म नहीं हो रहा है जीरो पॉइंट नाइन 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 चलता जा रहा है इसका मतलब क्या है जितने नंबर के ऊपर बार होगा उतने रिपीट हो रहे हैं एक के ऊपर नाइन के ऊपर बार है तो सिर्फ नाइन रिपीट हो रहा है ये नाइन चलता जा रहा है जीरो पॉइंट जीरो नाइन 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 चलता जा रहा है उसको देख लो इसे करेंगे तो क्या होगा जीरो पॉइंट जीरो नाइन जितने नंबर के ऊपर बार है उतने रिपीट हो रहे हैं तो ये जीरो नाइन जीरो नाइन जीरो नाइन जीरो नाइन ऐसे चलता जाएगा अब बताओ इनमें सबसे बड़ा नंबर हर किसी में जीरो जीरो है हर किसी में पॉइंट उसी प्लेस पे पॉइंट है पॉइंट सब में प्लेस पे पॉइंट है ठीक है अब पॉइंट के बाद देखो यहाँ पे आपका नाइन है यहाँ पे भी आपका नाइन है ठीक है बराबर चल रहा है यहाँ पे आपका जीरो हो गया ठीक है यहाँ पे भी आपका जीरो हो गया तो ये तो आपको अंडरस्टूड है कि सर ये वाले दोनों तो सबसे छोटे हो गए क्योंकि यहाँ पे तो जीरो जीरो है और यहाँ पे तो नाइन नाइन तो सबसे बड़े हैं अब इन दोनों में देखो सबसे बड़ा कौन है इसके बाद नाइन के बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं है और यहाँ पे नाइन के बाद तो ये नाइन 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 कभी खत्म नहीं हो रहा है इट मीन यहां से हमें क्लियर दिख रहा है कि सर बी ऑप्शन इसमें सबसे बड़ा नंबर होगा बोलो कोई भी प्रॉब्लम होगी तो यार बता देना बेझिझक बेझिझक आप लोग मुझे बता सकते हो कोई टेंशन नहीं लेना है कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं ठीक है कुछ भी आपको परेशान नहीं होना है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो अच्छा इस क्वेश्चन को करो मैं थोड़ी ना पानी पीता हूं गला सूख रहा है इस क्वेश्चन को ट्राई करो द प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन एटी एंड नाइनटी आया कुछ आंसर ट्वेंटी थ्री क्वेश्चन पे अभी तो हंड्रेड क्वेश्चन है यार है ना ऑल प्राइम नंबर के प्रोडक्ट आपको निकालने एटी एंड 90 के ठीक है एटी और 90 के प्राइम नंबर आपको निकालने हैं निकालो भाई निकालो 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 क्या आएगा देखो प्रोडक्ट निकालना है मतलब मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा ठीक है ऑल प्राइम नंबर का सभी प्राइम नंबर के बिटवीन 80 एंड 90 80 और 90 के बीच 80 और 90 के बीच जितने भी प्राइम नंबर है उनका प्रोडक्ट उनको मल्टीप्लाई करके आपको आंसर निकालना है भाई ठीक है मल्टीप्लाई करके उनको आपको आंसर निकालना है अब बताओ क्या आएगा आपको साफ साफ दिख रहा है कि सर 80 और जो ये 90 है ना जो ये 80 और 90 है ना इनके बीच में प्राइम नंबर क्या है एक तो एटी थ्री प्राइम नंबर है और नंबर फोर एटी दोनों को मल्टीप्लाई करो ठीक है मल्टीप्लाई करोगे तो नाइन थ्री सेवन 72 टू 72, और थ्री कितना हो जाएगा सॉरी 72 टू हो जाएगा ना फिर एट से करोगे एटी फोर का फोर कैरी टू एट एट जा सिक्स तो कितना हो जाएगा 66. <coughs> करोगे सेवन का सेवन फोर फोर एट हो जाएगा सेवन सिक्स थर्टीन का थ्री सिक्स वन सेवन सेवन थ्री एट सेवन यस सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा ठीक है तो प्राइम नंबर भाई आपको पता होने चाहिए विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है देखो एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर सभी नेचुरल नंबर इंटीजर होते हैं ठीक है क्या स्टेटमेंट से है कि एवरी नेचुरल नंबर जितने भी नेचुरल नंबर है वो इंटीजर है यस सर क्योंकि आपको पता है इंटीजर क्या होते हैं थ्री नेचुरल नंबर क्या होते हैं जो वन से स्टार्ट होते हैं तो आप लोग देख रहे हो यहाँ तो हर कोई चल रहा है इजीली, ठीक थी। है इजीली चल रहा है मतलब कि वन के बाद तो हर कोई नंबर आपका नेचुरल होता है ना वन टू थ्री तो इंटीजर में भी आ रहे हैं पैरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है एवरी नेचुरल नंबर इज ए रियल नंबर मैंने आपको बता रखा था रियल नंबर दो टाइप के होते हैं एक रैशनल एक इरेशनल और रैशनल नंबर के अंदर आते हैं सारे नेचुरल हो ये सारा मैंने आपको बता रखा था तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है हमें तो वो बतानी है जो करेक्ट नहीं, नहीं है जो ट्रू नहीं है एवरी रियल नंबर इज अ रैशनल नंबर जितने भी रियल नंबर हैं वो सारे आपके रैशनल नंबर हैं ठीक है क्या क्या बोला कि जितने भी रियल नंबर है ये आपका रियल नंबर है एवरी रियल नंबर जितने भी रियल नंबर हैं, वो आपके रेशनल नंबर है ये गलत बात है भाई देखो रियल नंबर दो टाइप का बोला था एक तो होता है आपका रेशनल एक होता है आपका इरेशनल अब आपको इसमें क्या बोल दिया कि जितने भी रियल नंबर है वो सभी के सभी रेशनल हैं? मतलब जब मैं बात कर रहा हूं कि जितने भी रियल नंबर इसमें मेरा रेशनल इसमें मेरा इरेशनल नंबर भी तो इंक्लूड हो रहा है फोकस करना जब मैंने बोला रियल नंबर तो इसमें मेरा इरेशनल नंबर भी इंक्लूड हो रहा है तो इरेशनल नंबर तो रेशनल नहीं हो सकता ना ठीक है समझ रहे हो बात को ठीक है मैं ये तो मैं कह सकता हूँ कि एवरी रेशनल नंबर रियल नंबर है लेकिन सभी रियल नंबर रेशनल नहीं है क्योंकि जब मैं रियल की बात कर रहा हूँ उसमें इरेशनल भी इंक्लूड हो रहा है और इरेशनल तो रेशनल नहीं होगा वो आपको समझ आया तो ये ऑप्शन ट्रू नहीं है ये ये ऑप्शन ऑप्शन गलत है। तो ये आपका आपका करेक्ट हो जाएगा। सी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट होगा कि मैसेज ये ऑप्शन सही नहीं है और हमारा यही सही आंसर है ठीक है फिर देखो एवरी इन टीजर इस रेसनल नंबर ये बात बिल्कुल सही है ठीक है तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है क्योंकि वो ट्रू नहीं है जो से बड़े प्राइम नंबर नहीं है उनका सम निकाल लो ठीक है तो सबसे छोटा टू टू के बाद थ्री इसके बाद फाइव इसके बाद सेवन इसके बाद इलेवन इसके बाद होता है थर्टीन इसके बाद सेवनटीन तो इनको आपको प्लस करना है दो तीन पाँच पाँच पाँच, 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 पाँच दस दस सात सत्रह सत्रह ग्यारह कितना होता है सत्रह ग्यारह होता है आपका अट्ठाईस और अट्ठाईस दस कितना हो गया और था दस आपका अड़तीस उनचालीस चालीस इकतालीस इकतालीस हो गया इकतालीस प्लस आप सत्रह करोगे सात एक आठ चार एक पाँच फिफ्टी एट आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ठीक है बी ऑप्शन आपको करेक्ट हो जाएगा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया नेक्स्ट देखो आपका वैल्यू ऑफ अब है ये आपके नॉन टर्मिनेटिंग वाले तो वैल्यू ऑफ जीरो पॉइंट थ्री बार जीरो पॉइंट थ्री बार की वैल्यू क्या होगी ठीक है तो हमने सिंपल देखना है जीरो पॉइंट थ्री बार की वैल्यू आपको सिखा रहा है वो वीडियो देख लेना ये हो जाएगा आपका थ्री अपॉइंट नाइन इसे मैं रिड्यूस करूंगा तो ये हो जाएगा आपका क्या थ्री वन जी थ्री वन अपॉइंट थ्री आपका ये आंसर हो जाएगा बाकी भाई वहां देख लेना क्योंकि प्रॉपर आपको बता रहा है कि और हर बार रिक्वेशन ही आते हैं कि नॉन टम्यूनिटिंग को कैसे आपको उसमें कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है Value of .75 से मैं क्या माइनस कर बताए देता हूँ डिटेल में जो नॉन रिपीटिंग डिजिट यहाँ पे क्या है सेवन है इसमें सेवन माइनस करूंगा अपॉन में रिपीटिंग डिजिट कितने हैं एक है तो एक नाइन लिखूंगा नॉन रिपीटिंग कितने हैं एक है तो एक जीरो कर लूंगा सेवनटी फाइव माइनस सेवन करूंगा तो ये कितना हो जाएगा सिक्सटी एट हो जाएगा सिक्सटी एट अपॉन नाइनटी और ये रिड्यूज हो रहा है टू थ्री जा सिक्स टू फोर जा एट 24, 25, 34 45, से मैं क्या माइनस करूंगा नॉन रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग इसमें कुछ भी नहीं है अपॉन कुछ भी मैं इसमें से, से माइनस नहीं करूंगा अपॉन में उतना मैं, मैं नाइन लिखूंगा जितना रिपीटिंग डिजिट है रिपीटिंग डिजिट कितने है? दो है सिक्स नाइन 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 लिख लिया उतने, उतने

पॉइंट क्या नंबर बना One, four, two, eight, five, बना वन फोर टू एट फाइव सेवन और अपॉन में कितनी आ, मतलब रिपीटिंग कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स रिपीटिंग डिजिट है यहाँ पे तो मैं सिक्स नाइन कर लूंगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स मैंने ये कर लिया पॉइंट के यहाँ पे नॉन रिपीटिंग कुछ भी है तो जीरो कुछ भी नहीं आएगा ठीक है अब आप इसे रिड्यूज करोगे रिड्यूज किससे करोगे इन दोनों के एच सी एफ से करोगे ठीक है इन दोनों का एच सी एफ एच सी एफ ना आप डिजन मैथड से निकालना ज्यादा बढ़िया निकलेगा छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड कर दो आता तो होगा ना सिर्फ डिविजन मैथड से निकालना लास्ट में जो एच सी एफ आएगा उससे इसको डिवाइड कर लेना आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा बाकी आप छोटे 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 करके भी इसे कर सकते हो ठीक है न ऐसा पता ये क्या होगा ये ना अगर मैं इसी को वन फोर टू एट फाइव सेवन ही इनका क्या आएगा एच सी एफ आएगा वन फोर टू एट फाइव सेवन वन जा होता है वन फोर टू एट फाइव सेवन और वन फोर टू एट फाइव सेवन सेवन जा होता है नाइन 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 तो वन अपॉन सेवन आपका आंसर आएगा ठीक है अगर आप सेवन से इसे मल्टीप्लाई करोगे ये आपको मिल जाएगा ठीक है चलो नेक्स्ट देखो वैल्यू ऑफ़ ये भी आपको सिखा रखा है कि जो होल में उसे अलग कर लो बाकी जो है उसे पॉइंट नाइन एट को ऐसे लिख लो नाइन एट के ऊपर बाहर है अब मैं इसको कर लूंगा थ्री प्लस नाइनटी एट अपॉन क्या कर दूंगा यहाँ पे रिपीटिंग दो डिजिट है तो नाइनटी नाइन कर लिया बस ठीक है अब आपको क्या करना है इसे जैसा भी आप लोग सॉल्व करते हो वैसे आप लोग इसका आप लोगों को इसे सॉल्व करना है मैं इसे सॉल्व कैसे करूंगा 99 नाइन इंटू थ्री करूंगा तो थ्री नाइन जेट ट्वेंटी सेवन का सेवन टू थ्री नाइन जेट ट्वेंटी सेवन टू ट्वेंटी नाइन और बीच में प्लस है प्लस 98 एट और अपॉन में 99 नाइन ही हो जाएगा इसे मैं क्या कर दूंगा फिर प्लस कर दूंगा आठ सात पंद्रह का पांच एक नौ नौ अठारह उन्नीस का नौ एक दो एक तीन 395 फाइव अपॉन नाइन्टी नाइन दोस्त ये आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन ठीक है हर बार इक्वेशन क्वेश्चन भाई पूछे जाते हैं फिर देखो टू पॉइंट टू को अलग कर दो प्लस पॉइंट सेवन सिक्स फोर दो नंबर के ऊपर बार है टू तो ऐसे रहेगा फिलहाल प्लस पॉइंट क्या बना? सेवन सिक्स फोर बना। क्या नंबर नंबर बना बना माइनस करूंगा नॉन रिपीटिंग माइनस करूंगा अपॉन में कितने नाइन आएंगे जितने रिपीटिंग है दो डिजिट रिपीटिंग है दो नाइन आएंगे एक डिजिट आपका वहां पे क्या है नॉन रिपीटिंग है एक जीरो आएगा इसे पहले सॉल्व करना है हाँ इसे करेंगे तो क्या हो जाएगा टू प्लस सेवन सिक्स फोर माइनस सेवन करोगे तो आपको मिलेगा सेवन फाइव एट मिलेगा है ना नाटी मिलेगा उनसठ साठ नहीं रुको सेवन मिलेगा ना सेवन फाइव सेवन सात सात सत्तावन अट्ठावन उनसठ साठ चार चौसठ ठीक है सेवन फाइव सेवन अपॉन नाइन नाइन जीरो है ये ठीक है आ, अब देखो यार आप ना इसे अगर रिड्यूज करोगे तो आंसर ज्यादा कंफर्टेबल निकलेगा भले मल्टीप्लाई करके पूरा जिस मेथड से करोगे आंसर सेम आएगा पर ट्राई करो इसे रिड्यूज करने का आई थिंक ये नजरिए थ्री से रिड्यूज हो रहा है Nine से भी हो रहा होगा हाँ नाइन से भी हो रहा है देखो क्योंकि मैंने डिविजिबिलिटी सात पांच बारह एक सेकेंड नहीं हो रहा यार नहीं ठीक से नहीं हो रहा 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 नहीं हो नहीं हो नहीं हो रहा नहीं हो रहा किसी से नहीं हो रहा है इसे मल्टीप्लाई कर दो ठीक है टू से मल्टीप्लाई कर दोन का 191980-757 और अपॉन में क्या है 990 है माइनस करेंगे 10 में से 7 गया तीन वहां पे बचा आपका 7 7 माइनस 5 करोगे 2 9 7 करोगे 2 और यहां पे 1 का 1 1 2 2 3 ठीक है सही है कि गलत है सही है कि गलत है 990 प्लस करना है यार मैं माइनस क्यों कर रहा हूं प्लस करना है ना तो बीच में प्लस का नहीं है ये तो माइनस कर दिया ठीक है बीच में तो प्लस है ठीक है प्लस होना यार सेवन का हो जाएगा यहाँ पे सेवन सेवन का सेवन आठ पांच तेरह का तीन एक और नौ सात सोलह एक सत्रह का सात एक एक दो ठीक है टू सेवन थ्री सेवन आ गया और अपो नाइन नाइन जीरो ये सही है ठीक है ये आपका आ गया इसे करोगे जीरो पॉइंट जीरो फोर तो मैं क्या कर दूंगा जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट के बाद क्या नंबर बना जीरो मतलब फोर ही होता है अपॉन में क्या कर दूंगा कर दूंगा क्योंकि रिपीटिंग के लिए और जीरो गया नॉन रिपीटिंग के लिए तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इसे आप रिड्यूस कर सकते हो टू टू जा फोर एंड टू फोर जी टू फाइव टू अपॉइट फोर्टी फाइव करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल रिड्यूस नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ हमें पता है क्या करना है टू प्लस ये तो साफ साफ दिख रहा है अपॉन

तो क्या कर रहे हो तब से चैनल को सब्सक्राइब कर लो बढ़िया तरीके से ठीक है नेक्स्ट है जीरो पॉइंट क्वेश्चन आपको करवा रखा है क्वेश्चन कहीं से भी कहेगा इजीली कर लो ठीक है फिर यहां पे आपका ये क्या हो जाएगा पॉइंट पॉइंट के के बाद बाद क्या नंबर नंबर बना बना और माइनस हम क्या कर लेंगे जो नॉन रिपीटिंग है नॉन रिपीटिंग क्या है वहां पे अच्छा ये बार किसके ऊपर है बार है ये आपका 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 बार किसके ऊपर है थ्री के ऊपर लग रहा है चलो देखते हैं थ्री के ऊपर बार है हम इसमें से फोर्टीन माइनस कर लेंगे अपॉन में क्या आएगा उतने नाइन आएंगे जितने रिपीटिंग है एक ही सिर्फ थ्री यहाँ पे रिपीट है तो मैंने नाइन कर लिया नॉन रिपीट दो डिजिट है वन फोर तो दो जीरो मैं यहाँ पे कर लूंगा इसे करोगे वन फोर्टी थ्री माइनस फोर्टीन करोगे तेरह में से चार नौ तीन में से एक या दो और एक वन ट्वेंटी नाइन अपॉन नाइन जीरो जीरो होगा ठीक है वन ट्वेंटी नाइन अपोन नाइन जीरो जीरो अब देखो यार क्या ये रिड्यूज हो रहा है थ्री से हो रहा है नंबर बना पूरा ट्वेल्व थ्री थ्री आ माइनस हमने करा थ्री 14. वन फोर थ्री में से वो माइनस करोगे तो तेरह में से चार गया नौ वहां पे तीन तीन में से एक गया दो और एक का एक ठीक है नाइन जीरो जीरो वो भी ठीक है तो ये रिड्यूस हो तो हो रहा है ना थ्री फोर ए ट्वेल्व थ्री थ्री नाइन और ये हो जाएगा आपका थ्री थ्री नाइन जीरो जीरो फोर्टी थ्री अपॉन थ्री हंड्रेड फोर्टी थ्री अपॉन थ्री हंड्रेड ठीक है और अगर मैं इसे ऐसा मानता हूँ क्योंकि ये थोड़ी ना मुझे कन्फ्यूज हो रहा है कि पूरा वन के फोर के ऊपर भी बार है देखते हैं हा? अगर मैं फोर के ऊपर बार बनाता हूँ फिर ये हो जाएगा कितना? 1, 4, 3, ये आपका कितना वन फोर थ्री माइनस फिर आपका वन हो जाएगा अपॉन में क्या हो जाएगा नाइन 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 जीरो हो जाएगा ठीक है फिर वन फोर थ्री माइनस वन करोगे वन फोर टू अपॉन नाइन नाइन जीरो होगा इसे रिड्यूस करोगे टू सेवन जे फोर्टीन टू वन जे टू टू फोर एट टू फोर जै टू फाइव जै टेन सेवन वन अपॉन फोर फोर फाइव ठीक है सेवन अपॉन एक सेकेंड टू फोर जै एट टू नाइन जै एटीन होगा देखो भाई मैंने बोला अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता देखो कि जीरो पॉइंट वन फोर थ्री फोर और थ्री के ऊपर अगर बार होगा तो फिर ये ऑप्शन आएगा अगर सिर्फ थ्री के ऊपर बार होगा फिर ये आंसर आएगा ठीक है तो देख लेने इसको भाई है ना मैंने आपको बता दिया कि कैसे आंसर आएगा ओके दोनों तरीके से बता दिया थोड़ी कंफ्यूज हो रहा था कि किसके ऊपर बार है ठीक है नेक्स्ट है आपका वैल्यू ऑफ जीरो पॉइंट फाइव फाइव देखो भाई नंबर क्या बना फिफ्टी फाइव बना पॉइंट के बाद फिफ्टी फाइव के ऊपर दोनों के ऊपर बार है तो मैंने कि वैसे ही ऐसा होगा नहीं सिर्फ ऐसा ही होगा जीरो पॉइंट फाइव बार थोड़ी कन्फ्यूज करने के लिए डाल दिया इसीलिए क्या हो जाएगा अपॉन इलेवन फाइव जब फाइव फिफ्टी फाइव इलेवन नाइन जब नाइनटी नाइन ओवरऑल वही आ गया जो कि जीरो पॉइंट फाइव बार का आना चाहिए था है ना इसे लिखने का कोई सेंस नहीं है क्योंकि तो भाई जब एक ही नंबर रिपीट हो रहा है तो एक ही नंबर के ऊपर ही तो होगा बार 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 ना ठीक है चलो नेक्स्ट है आपको फाइव अपॉन नाइन हो जाएगा

और जीरो लिखूंगा नॉन रिपीटिंग ये क्या हो जाएगा आपका टू प्लस एटी थ्री माइनस टू प्लस एटी थ्री माइनस एट करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा अगर हम एटी थ्री माइनस एट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा वो एटी हो गया सेवेंटी फाइव मिलेगा सेवेंटी फाइव अपॉन नाइनटी हो जाएगा इसे करेंगे तो ये रिड्यूस जब देखो पहले रिड्यूस कर लो आंसर शॉर्ट हो जाता है ये थ्री से हो रहा है थ्री टू तो जो सिक्स थ्री फाइव फिफ्टीन एंड थ्री थ्री नाइन थर्टी ठीक है अब फिर ये फाइव से हो रहा है अभी तो इसे और रिड्यूस कर दो आंसर बहुत सिंपल होता है ना थर्टी इसे करोगे सिक्स बस रिड्यूस आंसर मैंने आपको दे दिया ठीक है ओके सर नेक्स्ट है आपका फिर ये जीरो पॉइंट टू थ्री नाइन फोर तो पहले नंबर लिख लो टू थ्री नाइन फोर इसमें से क्या माइनस करूंगा नॉन रिपीटिंग ट्वेंटी थ्री है अपॉन में कितने नाइन लिख लूंगा जितने आपके रिपीटिंग है डबल नाइन और जीरो जीरो आ जाएगा नॉन रिपीटिंग इसे माइनस करोगे तो माइनस करेंगे हमें आंसर क्या मिल जाएगा टू थ्री नाइन फोर फोर में से थ्री गया वन नाइन में से टू गया आपका सेवन थ्री का थ्री टू का टू टू थ्री सेवन नाइन अपॉन नाइन नाइन जीरो जीरो यही आपका आंसर होगा ऑलरेडी जो नहीं होगा समझ आ गया

सीएफ से 11/21 आपको आंसर मिलेगा 11.21 देखना है 11/21 आपको आंसर मिल जाएगा ठीक है भाई ठीक है ठीक है ठीक है चलो नेक्स्ट देख लेते हैं 0.1234 इसे करेंगे हम तो क्या मिल जाएगा 1 2 3 4 माइनस करेंगे क्या 12 अपॉन में 99 ये किसके लिए आई 3 और 4 के लिए आई जीरो जीरो किसके लिए आई वन और टू के लिए आई इसे माइनस करोगे तो माइनस करने से आपको क्या मिल जाएगा माइनस करने से आपको क्या आंसर मिलेगा वन टू थ्री फोर चार में से दो गया दो मिलेगा तीन में से एक गया दो मिलेगा ये दो आएगा वन ट्रिपल टू अपॉन नाइन नाइन जीरो जीरो इसे आप रिड्यूस कर सकते हो टू से ही तो रिड्यूस हो जाएगा ना आप अपने तरीके से जो रिड्यूस कर लो आंसर आपको मिल ही जाएगा ठीक है नेक्स्ट है जीरो पॉइंट सेवन जीरो पॉइंट सेवन बार क्या हो जाएगा ये सबको पता है सब सीए सीधे सेवन से, 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 अपॉन नाइन हो जाएगा है ना इसे करेंगे जीरो पॉइंट बार को तो ये क्या हो जाएगा थर्टी सिक्स माइनस थ्री अपॉन नाइन और जीरो थर्टी सिक्स माइनस थ्री कितना होता है थर्टी थ्री अपॉन नाइनटी रिड्यूज 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 एक सेकेंड बेटर करेंगे हम इसको तो देख लो रिड्यूज करके क्या आ रहा रिड्यूज करो ना उसको रिड्यूस करके क्या हार वही आपका आंसर है कहा ज्यादा लोड आ रहा है सिंपल तो है ना इसे करेंगे फिर हम क्या हो जाएगा थ्री वन जी थ्री वन जे थ्री 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 जो नाइन और यहाँ पे ये वाले जीरो थी बस इलेवन बाई थर्टी आपका करेक्ट आंसर है नेक्स्ट है थ्री पॉइंट टू बार सिंपल है क्या करना है थ्री प्लस टू अपॉन नाइन 9, 3, 27, मैंने डायरेक्ट कर लिया इस बारे, ठीक है टू 27, 27, कितना हो जाएगा 29 9 आपका, सिंपल आंसर ये इजी तो जा, क्वेश्चन है भाई फोर पॉइंट बाहर फोर प्लस फिफ्टीन अपॉन नाइनटी नाइन दोनों के ऊपर बार है इसे रिड्यूज कर लो रिड्यूज हो रहा है थ्री से दोनों हो रहे हैं थ्री फाइव या फिफ्टीन दो सात तीन का तीन एक का एक थ्री आंसर आएगा बोलो कोई दिक्कत सेवन पॉइंट थर्टी थ्री इसे करोगे तो ये हो जाएगा थ्री फाइव वन माइनस नॉन रिपीटिंग क्या है थ्री है मुझे पता है मैं यहाँ पे फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि यार मैंने अच्छे से करवा रखा है बहुत बड़ी क्लास को करवा रखी उसे देख लेना जीरो नाइन जीरो आप रिड्यूस कर सकते हो ठीक है टू से अगर करोगे टू वन जै टू हो जाएगा फिर वहां पर टू सेवन जब फोर्टीन टू फोर जाए सेवनटी फोर ये हो गया ठीक है और और किससे होगा ये टू से हो गया टू 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 फोर जा एट हो गया टू नाइन जा एटीन टू फाइव जा टन फोर नाइन फाइव ठीक है फिर आप इसे चेक कर सकते हो किससे हो रहा है सात एक आठ आठ चार बारह पाँच बार चार नौ ये थ्री से हो रहा है फिर है ना थ्री से करोगे कितना हो जाएगा देखो थ्री फाइव जा फिफ्टीन वहाँ पे कितना बचा आपका टू बचा ट्वेंटी फोर फाइव एट जा सॉरी थ्री एट जा ट्वेंटी फोर ये करोगे फाइव 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 नाइन जा फोर्टी फाइव

अच्छा यार ये थ्री से मैं मैं क्यों कर रहा देख मैं भी ना इतने करके पगला गया ओहो चाय पीनी पड़ेगी यार <laughs> चाय नहीं पीनी चाहिए वैसे ठीक है फिफ्टी से थ्री से ही करना है ना तो हो जाएगा थ्री वन या थ्री नाइन हुआ थ्री थ्री सिक्स या एटीन फिफ्टीन थ्री, थ्री अब सही है नेक्स्ट देखो अरे वाह बढ़िया क्वेश्चन है इसे सीधे कर दो बार है ना तो थ्री आएगा प्लस बार है फोर अपॉन नाइन आएगा प्लस बार है फाइव अपॉन नाइन आएगा प्लस बार है 9 9 आएगा शायद ये आपको पता होगा डिनोमेटर सेम है नाइन लिख लो उनको प्लस कर दो चार तीन सात पांच बारह बारह नौ होता है आपका इक्कीस ट्वेंटी रेड्यूज हो रहा है थ्री सेवन जेड ट्वेंटी थ्री जेड नाइन सेवन थ्री ठीक है कितना बढ़िया क्वेश्चन था जीरो पॉइंट वन टू इजी क्वेश्चन था मतलब ठीक है जीरो पॉइंट वन टू बार का मतलब अपॉन्ट नाइनटी नाइन ये हो जाएगा थ्री फोर या ट्वेल्व थ्री थी नाइन थ्री थी नाइन फोर अपॉइंट थर्टी थ्री कहां दिक्कत आ रही बताओ ना अब देखो अब आपका फिर क्वेश्चन एड ये वाले क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं इसीलिए बहुत बढ़िया और ये 5 प्लस फोर अपॉइंट नाइन आएगा बहुत बढ़िया अपने हिसाब से आप यहाँ से आप इस कैलकुलेशन को कैसे भी कर सकते हो आंसर गलत नहीं होगा आंसर सेम ही आएगा ठीक है लेकिन मैं शॉर्ट कट करने के लिए पहले जो होल नंबर है उनको प्लस करो थ्री प्लस फाइव करा कितना आया एट आया अब क्योंकि आपको पता होगा डिनोमीटर सेम है नाइन नाइन एक नाइन लिख लो इनको प्लस कर दो फोर तो टू कितना हो जाएगा सिक्स हो जाएगा फिर ये होगा आपका एट प्लस ये हो जाएगा आपका थ्री टू जै सिक्स थ्री थ्री जो नाइन इसे कर दो एट थ्री जर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर टू करोगे ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी सिक्स थ्री आपका आंसर आ गया कहाँ दिक्कत थी बताओ सिंपल है नेक्स्ट थ्री बार प्लस फोर पॉइंट वन फाइव बार ये हो जाएगा टू प्लस थ्री नाइन प्लस ये हो जाएगा फोर प्लस फिफ्टीन अपॉन नाइनटी नाइन ठीक है फिर से वो ये टू प्लस फोर करो सिक्स और एलसीएम ले लो नाइन और नाइनटी नाइन का तो एलसीएम आएगा नाइनटी नाइन नाइन को कितने से मल्टीप्लाई करा नाइनटी नाइन है इलेवन से उस थ्री को भी इलेवन से करोगे इलेवन थ्री जा थर्टी थ्री बीच में आपका प्लस नाइनटी नाइन को किससे करा नाइन्टी नाइन आए वन से फिफ्टीन को वन से करोगे फिफ्टीन वन फिफ्टीन ही होगा अब ये होगा आपका अच्छा इसे ना आप और एक काम कर सकते थे इसे आप अगर यही रिड्यूज करोगे यहीं पर अगर आप इसे रिड्यूज कर दोगे आंसर बहुत सिंपल आएगा आंसर बहुत सिंपल आएगा ठीक है चलो मैथ भूल गया यहाँ पे रिड्यूज करना अब यहाँ पे करेंगे इसे प्लस करो पाँच तीन आठ और ये कितना हो जाएगा तीन एक चार फोर्टी एट अपॉन नाइनटी नाइन ये फोर्टी एट अपॉन नाइनटी नाइन नाएं थ्री से डिवाइड होगा रिड्यूज हो जाएगा थ्री वन जा थ्री हो जाएगा और वहाँ पे कितना बचा एटीन थ्री सिक्स जा एटीन अपॉन थ्री थ्री जे नाइन थ्री थ्री जे नाइन ठीक है अब इसे कर लो थर्टी थ्री इंटू सिक्स करोगे आठ छह चौदह का चार एक नौ एक दस एक ग्यारह का एक और एक एक दो टू फोर्टीन अपॉन थर्टी थ्री आपका फाइनल आंसर आएगा ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे ही आपको क्वेश्चन करना है थ्री पॉइंट एट चार माइनस टू पॉइंट फाइव नाइन ठीक है ये होगा आपका थ्री प्लस ठीक है 87 upon 99. आप लोग भी ऐसे कर लो कर लोगे लोगे, जब प्रैक्टिस ठीक है? है फिर ये हो जाएगा आपका अब यहां पे आपको थोड़ी केयरफुल रहना है साइन का ध्यान रखना है ये थ्री प्लस में है ये टू माइनस में है थ्री माइनस टू करूंगा क्या आएगा वन आएगा प्लस ये वाला देखो एटीन सेवन अपॉन नाइनटी नाइन प्लस में है फिफ्टी नाइन अपॉन नाइनटी नाइन प्लस में है ठीक है दोनों के डिनोमिनेटर सेम है बहुत अच्छी बात हुई नाइन को प्लस कर दो एटी सेवन प्लस 59, नौ का छह एक आठ ते पांच तेरह एक चौदह अपॉन नाइनटी नाइन आप रिड्यूट करोगे होगा ही रिड्यूट चार एक पांच पांच यार नहीं रिड्यूज नहीं हो रहा है तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं नाइन्टी नाइन वन नाइन तो नाइनटी नाइन प्लस वन फोर सिक्स अपॉन नाइन इसे अगर हम प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा का पांच एक नौ चार तेरह का चार एक एक, एक दो टू फोर्टी रिड्यूस नहीं हो रहा था ये आपका आंसर है अब देखो आप ना चाहो तो ना इसे कभी कभार आपको जो आंसर होगा जो ऑप्शन होगा वो बार में ही दिया होगा तो आपको 99 से अगर हम इसे डिवाइड करेंगे वो भी बता देता हूँ 99 से अगर मैं इसे 245 को डिवाइड कर दू ठीक है यहीं पे मैं 99 नाइन से वन फोर सिक्स को भी डिवाइड कर सकता था वो बता देता हूँ हर एक तरीके से देखो इसे करोगे कितने टाइम जाएगा कितना टाइम जाएगा नाइन थ्री नाइन टू एटीन टू टाइम जाएगा टू नाइन सेन नाइनटीन वन नाइनटी एट करोगे माइनस करोगे पंद्रह में से आठ गया सात यहाँ पे बचा तीन तेरह में से नौ गया चार यहाँ पे बचा एक वन नाइन वन जीरो हो गया फोर्टी सेवन अब यहाँ पे आप अगर इसे वो करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे तो आपको क्या मिलेगा आपको मिलेगा यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे से फिर आप अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा इसे अगर मैं करूँ 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 तो कितना टाइम जाएगा अब ये डिवाइड तो होगा नहीं ना अब ये? क्या मैंने पॉइंट लगा लिया कर कितने तो टाइम जाएगा जाए टू टाइम क्या hmm, hmm, hmm. हो हो? से नौ गया. आँ, आँ, दो. करने पे हमें पता क्या आना चाहिए से कर रहा हूँ ना मैं उसे नौ छः पंद्रह का पांच एक नौ चौदह का चार एक एक दोन तो वहां पे टू पॉइंट तो नहीं आना चाहिए था यार क्योंकि okay, अगर मैं इसे डायरेक्ट करता हूँ तो वन पॉइंट समथिंग होना चाहिए वन पॉइंट टू एट अगर अच्छा देखो अगर मैं वन पॉइंट टू एट हो जाएगा वन ट्वेंटी ट्वेंट जरूर रुको हाँ अगर मैं इसे इन सब का एल्सियम लेता हूँ कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं वो से चेक कर लेते है एक सेकंड रुको अगर मैं इन सब का एल्सियम लेता हूँ तो सबका एल्सियम कितना आएगा सबको पता है नाइन्टी नाइन आएगा सबका एल्सियम नाइन्टी नाइन आएगा ठीक है कितने से मल्टीप्लाई करा नाइन्टी नाइन आया ठीक है थर्टी थ्री से मतलब इसका न्यूमरेटर वन सॉरी वन को किससे कराया नाइन्टी नाइन आया ऐसे में कैल्क बढ़ जाए आठ सात पंद्रह पाँच तेरह अपॉन कुछ कुछ बार बार क्वेश्चन क्वेश्चन में में गड़बड़ गड़बड़ तो नहीं कर दी हुई. लगता है है. में, में हो गई चलो कर लेते हैं फिर भी अगर मैं इन सबका एक साथ करता हूँ ना देखो क्या आता है फिर वन को किससे मल्टीप्लाई करा 99 नाइन आया नाइनटी नाइन से तो इस थ्री को भी आप नाइनटी नाइन से करोगे ट्वेंटी सेवन का सेवन कैरी टू नाइन थ्री सेवन बीच में प्लस का साइन 87, 87 आएगा क्योंकि 99 99 99 99 को 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 1 से 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 मल्टीप्लाई करा करा है फिर माइनस 2 1, 1 को से करा, 99 है, 99 से, 2 अपॉन किससे भी सात सात चौदह का चार नौ सत्रह एक अठारह का आठ एक दो एक तीन थ्री एन नाइनटी एट प्लस फिफ्टी नाइन और अपॉन में क्या है 99 इसे मैं माइनस करूंगा तो चौदह में से आठ गया तो छः हो जाएगा वहाँ पे कितना बचा सात सत्रह यहाँ पे आठ हो जाएगा वहाँ पे दो दो में से एक वन एटी सिक्स प्लस फिफ्टी नाइन करोगे तो कितना आएगा नौ छः पंद्रह का पाँच एक आठ पाँच तेरह एक चौदह का चार एक एक दो टू फोर्टी फाइव और नाइन्टी नाइन ये वही आया ना टू फोर्टी फाइव और नाइनटी ठीक है चलो ये तो हमारा सही है तो चलो अगर हम इसे माइनस करते हैं तो इसे आप ये आपका आंसर आ गया बस ना इसी को आंसर हम कर लेंगे टू फोर्टी फाइव अपॉन नाइनटी नाइन ठीक है चलो फिर हमें इसे ऐड करना है बढ़िया क्वेश्चन है ऐड हमें इसे करना था देखो सबसे पहले से हम क्या कर देंगे थ्री प्लस थर्टी सिक्स अपॉन नाइनटी नाइन ठीक बात ओके माइनस टू प्लस सिक्सटी फाइव अपॉन नाइन्टी नाइन जो दोनों के ऊपर बार है वन प्लस थर्टी थ्री अपॉन नाइनटी नाइन बहुत सही ठीक है सेम चीज़ करते हैं देखो थ्री माइनस टू होल होल को कर लो थ्री माइनस टू करोगे वन आएगा वन प्लस वन करोगे टू आएगा ठीक है ओवरऑल करवा लिया मैंने टू प्लस थर्टी सिक्स अपॉन नाइनटी नाइन फिर आगे प्लस सिक्सटी फाइव अपॉन नाइनटी नाइन फिर आगे प्लस थर्टी थ्री अपॉन नाइनटी

प्लस 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 और अपॉन में क्या आएगा? 99 आएगा, ठीक है? अब अगर यार मैं इसे करता ना, आई कर पहले जा, कितना होगा ट्वेल्व का टू वन दो दस दिन तेरह का तीन एक एक दो टू थर्टी टू अपॉन नाइनटी नाइन एक आंसर तो है आपका क्या टू थर्टी टू अपॉन टू थर्टी टू अपॉन नाइन अपना हम इसे कर हैं आप इसे डिवाइड डिवाइड कर लो करने आपको क्या आंसर मिलेगा तो वो आपका सही हो जाएगा जो माइनस करता हूँ बारह में से आठ गया चार और यहाँ पे कितना बचा यहाँ पे बचा आपका दो बारह में से हो गया ये तीन है ना, दो बचा बारह से थर्टी फोर आ रहा है थर्टी फोर आ रहा है ठीक है टूल थर्टी फोर ठीक है ये आपका आंसर हो जाएगा ओके okay, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो बता देना नेक्स्ट फाइंड द वैल्यू इसकी वैल्यू आपको बतानी है टू अपॉन थ्री प्लस जीरो पॉइंट वन वन बार तो मैं इसे क्या लिख लूंगा मैं से क्या बना लूंगा इलेवन अपॉन नाइनटी नाइन बना लूंगा इसे आप रिड्यूस करोगे टू अपॉन थ्री प्लस इलेवन 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 नाइन जय नाइनटी नाइन ठीक है थ्री और नाइन का एलसीएम नाइन थ्री थ्री जो नाइन थ्री टू जो टू थ्री जै सिक्स प्लस वन का तो वन ही होगा आंसर क्या आएगा आपका सेवन अपॉन नाइन ठीक यस सर नेक्स्ट है नंबर इज नॉट डिविजिबल बहुत सिंपल है six से डिवाइड होने के लिए क्या है टू से भी होना चाहिए थ्री से भी होना चाहिए दोनों से होना चाहिए जो नंबर इनमें से किसी एक से नहीं हो रहा होगा वो सिक्स से भी नहीं होगा देखो सबसे पहले ये जीरो है लास्ट में ये टू से हो जाएगा थ्री से सात दोनों थ्री से भी हो रहा है अब देखो यहाँ पे लास्ट में फाइव है फाइव टू से होगा किसी भी नंबर के लास्ट में फाइव होता है तो क्या वो टू से होता है नहीं होता है ये टू से नहीं हो रहा है तो सिक्स से भी नहीं होगा फिर तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन 5? 5 से कौन नहीं होगा मुझे तो सीधे दिख रहा है भाई ये वाला नहीं होगा क्यों क्योंकि रूल है लास्ट में जीरो और फाइव होना चाहिए नेक्स्ट है विच ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाय नाइन नाइन से कौन डिवाइड है प्लस करके देख लो ठीक है छः चार दस दस तो बारह एक तेरह ये वाला नहीं हो रहा है आठ दो दस दस तीन तेरह तेरह चार सत्रह ये भी नहीं हो रहा है क्योंकि नाइन का डिविजिबिलिटी रूल है प्लस करके जो सम आएगा वो नाइन से कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए नौ दो ग्यारह बारह बारह छह कितना होता है अठारह बिल्कुल ये वाला कंप्लीट डिवाइड हो रहा है लास्ट वाला भी नहीं होगा फिर पांच एक छह 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 बारह नहीं होगा तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा बाईव नंबर नाइन वन फोर सेवन सिक्स इज नॉट डिविजिबल इनमें से किस नंबर से नाइन वन फोर सेवन सिक्स डिवाइड नहीं होगा ठीक है सबसे देखो टू से तो हो जाएगा इलेवन से करते हैं ठीक है इलेवन से करते हैं इलेवन से होगा कि नहीं होगा ठीक अगर आप चेक करोगे ना तो इलेवन से भी हो जाएगा चेक करोगे तो इलेवन से भी हो जाएगा चेक करोगे तो सेवन से भी ये डिवाइड हो जाएगा एट से ये डिवाइड नहीं होगा ठीक है क्योंकि लास्ट के तीन डिजिट को देखोगे फोर सेवन सिक्स ये हो जाएगा कितना एट फाइव या फोर्टी फोर्टी फौर वहां पे बचा आपका कितना सात छिहत्तर वो तो होगा नहीं तो एट इसका करेक्ट आंसर होगा कि एट से डिविजिबल नहीं है फिफ्टी नाइन है बीस नंबर इज डिविजिबल बाई फाइव एंड नाइन जो फाइव से भी डिविजिबल है और नाइन से भी दोनों से डिविजिबल है तो सबसे पहले देखो कॉमन सेंस ये वाला तो आपका ऑप्शन हो नहीं सकता क्योंकि ये से तो होगा नहीं क्योंकि वहाँ पे क्या कर दिया? कर दिया दिया अब हम चेक करते हैं एक एक करके ये वाला मैंने करा रहा फाइव से तो हो रहा है नाइन से हो रहा है चेक कर लो फाइव फाइव टेन टेन एट एटीन यस ये नाइन से भी और तो यही करेक्ट ऑप्शन है और आप चेक कर लो आर्धस पांच पंद्रह नाइन से नहीं हो रहा पांच ग्यारह नाइन से नहीं हो रहा बिल्कुल सही ऑप्शन करेक्ट है समझ

फाइव वन छह छह सात सात छह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह अठारह चार बाईस आ रहा है बाईस को मैं एक्स की वैल्यू क्या बना दू कि वो थ्री से डिविजिबल हो बाईस से सबसे नजदीक का मल्टीपल क्या है थ्री का ट्वेंटी फोर तो मैं टू मल्टीप्लाई कर दूंगा आई I मीन mean, प्लस कर दूंगा टू ऑप्शन भी है तो करेक्ट ऑप्शन टू हो जाएगा ताकि वो आपका डिविजल हो जाए ठीक है ये सर बहुत बढ़िया नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ एक्स बाय थ्री वन इंटू टू बाय सिक्स से डिवाइड होगा तो सबसे पहले देखो टू से तो डिवाइड हो रहा है यस सर थ्री से चेक कर लो क्योंकि सिक्स का डिविजिबिलिटी रूल है जो थ्री से भी होगा और सिक्स से भी होगा तो हमने क्या करा इसमें सिंपल हमने नंबर लिखा थ्री वन एक्स टू इनको प्लस कर दो थ्री प्लस फोर, फोर कितना, हो, चार चार जो कितना होता है ठीक है अब ध्यान से देखो भाई ध्यान से सुनना यहाँ पे जब मैंने इसको प्लस करा थ्री वन फोर फोर टू सिक्स सिक्स थ्री से डिवाइड होता है या सर होता है तो मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू को ना जीरो भी ले सकता था लेकिन सर ऑप्शन में जीरो कहीं है ही नहीं तो ये आपका ऑप्शन नहीं बनने वाला ठीक है फिर मैं एक्स की वैल्यू क्या रख दूँ कि वो थ्री थ्री का मल्टीपल बने सिक्स तो आ ही रहा है सिक्स का सबसे नज़दीक का मल्टीपल क्या है नाइन तो मैं एक्स की वैल्यू थ्री रख दूंगा सिक्स प्लस थ्री नाइन हो जाएगा तो ऑप्शन आपके यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा ठीक है भाई ओके नेक्स्ट है नंबर फाइव सेवन थ्री एक्स फाइव सेवन थ्री एक्स वाई ये नाइन से डिविजिबल है इससे डिविजाई फाइव सेवन थ्री नाइनटी से डिविजिबल है नाइनटी से देन द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी अब यहाँ पे हमें थोड़ी यार कॉन्सेंट्रेशन लगाना है सर अगर ये नाइनटी से डिविजिबल होगा तो क्या ना अगर कंप्लीट नाइनटी से हो रहा है तो यहाँ पे इस ये पॉसिबिलिटी है इसके लास्ट में भी जीरो हो वाई की वैल्यू लास्ट में भी क्या हो जीरो हो क्योंकि लास्ट में जीरो होगा और ये 90 है जीरो से मैं जीरो को कैंसिल कर दिया होगा और अब नाइन से इसे करा होगा अब क्या बचा मेरे पे फाइव सेवन थ्री एक्स बचा इस पे नाइन का डिजिबिटिव रूल अप्लाई कर दो नाइन का डिजिबिटिव रूल कहता है सबको प्लस करना है जो आएगा वो नाइन से डिवाइड होना चाहिए ये आपका सेवन फाइव सात पाँच बारह बारह तेरह चौदह पंद्रह फिफ्टीन अब मैं एक्स की वैल्यू क्या मान लूँ कि नाइन से डिवाइड हो थ्री मान लूंगा क्योंकि फिफ्टीन थ्री एटीन नाइन से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा है ना तो एक्स की वैल्यू मुझे क्या मिली एक्स की वैल्यू मिली मुझे थ्री और वाई की वैल्यू जीरो थ्री प्लस जीरो करेक्ट हो जाएगा ठीक है देखो तो थ्री अपॉइंट नाइन हो गया पॉइंट टू है तो टू अपॉइंट नाइन हो गया तो तीन तो फाइव फाइव अपॉइंट नाइन हो गया इसमें सिंपल है बी ऑप्शन इसमें आपका भाई करेक्ट हो जाएगा ठीक है सिक्सटी फोर का आपका बी हो जाएगा नेक्स्ट है सिक्सटी फाइव द सम ऑफ एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लीकेटिव क्वेश्चन है सबसे पहले, सब पहले हम क्या इनवर्स ऑफ टू अपॉन नाइन मतलब मैं टू अपॉन नाइन में क्या प्लस करूं मुझे आंसर जीरो मिले है आप बोलोगे सर माइनस टू अपॉन नाइन में इसमें प्लस करूंगा ठीक है फिर बोला मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एम आई मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ टू अपॉन नाइन मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का मतलब कि मैं टू अपॉन नाइन में क्या मल्टीप्लाई करूंगा कि मुझे आंसर मिले सारा मैंने आपको बता रखा है कि मुझे आंसर मिले आप बोलोगे तो मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा नाइन अपॉइंट टू अब हमें बोला इनका सम निकालो हम पे क्या बना एडिटिव इनवर्स आया मेरे पे माइनस टू अपॉइंट नाइन हमें सम निकालना है मतलब प्लस करना है प्लस किसको करूंगा नाइन अपॉन टू को कर लूंगा अब हमने यहाँ पे क्या करा जो ये नाइन और टू था इनका एल्सियम ले लू नाइन जा, टू जाटीन एल्सियम से मल्टीप्लाई कराटी टू को भी करो टू टू जा कितना हो गया? हो गया माइनस फोर प्लस टू नाइन जा एटीन तो नाइन नाइन जा एटी वन अब देखो प्लस माइनस का माइनस एटी वन में से फोर आपने माइनस करा आप तो कितना मिला सेवेंटी सेवन मिला बड़ा नंबर प्लस में था तो आंसर भी प्लस में आएगा तो सेवनटी सेवन अपोन अपॉन में क्या आपका 18 है तो 77 अपॉन 18 आपका आंसर मिलेगा जो कि आपका डी ऑप्शन करेक्ट है 77 अपॉन 18 ये बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत बेसिक है अगर एक बार आप समझ गए तो क्वेश्चन कैसा भी आ जाए इजीली कर लोगे गिच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन पी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है इसमें कौन सा नंबर ध्यान से समझना इसमें से कौन सा ऑप्शन इज ग्रेटर देन पी पी से कौन सा बड़ा है और पी की वैल्यू आपको दे है फाइव अपॉइंट सेवन मतलब इनमें से कौन सा ठीक है P से बड़ा है समझ रहे है? समझ रहे हो क्वेश्चन को से कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ग्रेटर देन इफ मतलब आपको बोला है इनमें से कौन सा ऑप्शन फाइव अपॉइंट सेवन से बड़ा है पी की वैल्यू फाइव अपॉइंट सेवन सेवन दे देती है आपको क्या करना है एक एक करके आपको यहाँ पे आंसर चेक करना है अगर ए ऑप्शन को चेक करता हूं तो वन अपॉइंट पी की वैल्यू रख दो पी की वैल्यू क्या है ठीक पी की वैल्यू क्या है फाइव अपॉन सेवन है तो पी की वैल्यू रख दो मैंने रख दी यहाँ पे, पे रख दी ठीक है सिंप्लीफिकेशन में सिखाऊंगा आप लोगों को वन अपॉन इसे कर लो फाइव अपॉइंट सेवन सेवन वन जे सेवन ठीक है कितना है सेवन वन जे सेवन है तो मैं क्या कर दूंगा फाइव माइनस सेवन करोगे माइनस टू आएगा अपॉन सेवन ये सिखा रखा है इससे मल्टीप्लाई करो सेवन वन जे सेवन 5 7 करोगे माइनस टू आएगा और अपॉन में सेवन ही आएगा वन अपॉन माइनस टू अपॉन सेवन इसे आप अगर सॉल्व करोगे तो ये सेवन ऊपर जाएगा ठीक है ये ऐसा होता है वन इन टू सेवन अपॉन माइनस टू ठीक है इस सेवन वन जैसे अपॉन माइनस टू होगा या माइनस माइनस सेवन अपॉन टू भी हम उसे कह सकते हैं अब बोलो फाइव अपॉइंट सेवन बड़ा है अब आपको ये चेक करना है ना कि फाइव पॉइंट सेवन बड़ा है ये तो यार सीधे आपको दिख रहा है कि ये माइनस में है माइनस सेवन अपॉइंट टू ये माइनस में माइनस ऊपर लगाओ नीचे लगा कोई दिक्कत नहीं है माइनस वाला नंबर ऑब्वियसली छोटा होगा है ना हमें तो क्या चाहिए कि, कि कौन सा नंबर इसमें से बड़ा है ठीक है तो वो तो गलत हो गया है ना ये वाला तो है नहीं क्योंकि माइनस में आ रहा है ए ऑप्शन आपका गलत हो गया ठीक है वो नहीं होगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐसा क्वेश्चन पूछा भी गया था एक बार ठीक है ये तो नहीं होने वाला फिर हम बी ऑप्शन को देख लेते हैं बी पे क्या है वन प्लस पी पी की वैल्यू रखो फाइव अपॉइंट सेवन ठीक है और ये अपॉन में क्या है पी पी की वैल्यू है फाइव अपॉइंट सेवन इस पर फिर सिंप्लीफाई कर लो सेवन सेवन जब भी दो दो डिवाइड हो रेसिप्रोकल कर दो ट्वेल्व अपॉन सेवन ये इंटू हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा सेवन अपॉन सेवन अपॉन फाइव हो जाएगा अब देखो सेवन से सेवन कैंसिल हो गया ट्वेल्व अपॉन फाइव ये हो गया इसे थोड़ी देख लो कि ये बड़ा है कि छोटा है फाइव से ट्वेल्व को डिवाइड कर दो कितना आएगा फाइव टू या टेन टू पॉइंट समथिंग आएगा टू पॉइंट फोर आएगा ठीक है 2.4 आएगा और ये 5 अपॉन सेवन है ना जो पी की रियल वैल्यू थी तो ये तो ये पॉइंट समथिंग आएगा पॉइंट सेवन समथिंग आएगा ठीक है पॉइंट सेवन बढ़ाएगा टू पॉइंट फोर बढ़ाए सर टू पॉइंट फोर बढ़ाए तो डेफिनेटली आपका आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बाकी आप इनको भी चेक कर सकते हो आपको आंसर नहीं मिलेगा आंसर मतलब वो छोटा ही आएगा हमें बड़ा चाहिए था तो सिक्सटी सिक्स का बी आपका करेक्ट हो जाएगा कोई भी अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम होगी सर डिटेल में क्वेश्चन तो तो है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपको बोला है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हमें मल्टीप्लीकेट इनवर्स कई बार बोला है कि मैं टू में क्या मल्टीप्लाई करूँ मुझे वन मिले होता है आपका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स तो पहले से सोल्व कर दो सोल्व कैंसिल करोगे अपॉन एट इंटू फोर है चाहे मल्टीप्लाई करो चाहे थर्टी को, को, कर को कर दिया मिला? मिला. अब मैं फिफ्टीन में क्या मल्टीप्लाई करूंगा मुझे वन आंसर मिलेगा हम क्या करेंगे इसका वन अपॉन फिफ्टीन कैंसिल आंसर वन हो जाता है तो आपका इसका आंसर क्या हुआ, 15, इसका हुआ कि मल्टीप्लीकेटिवर्स इज वन नंबर बिल्कुल सिंपल भी मैं आपको इसे करना है, ओके? नेक्स्ट मैं मैं... है, है? मैं 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 मुझे वही आइडेंटिटी मुझे वही नंबर मिले टू सिंपल है मैं टू मैं जीरो प्लस करूंगा, तो, ही तो मुझे टू मिलेगा आ रही है ना बात समझ में तो आंसर आपका क्या हो जाएगा आंसर आपका जीरो हो जाएगा हर बार ये भाई क्वेश्चन पूछा जाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ बहुत सिंपल है four, five, five, one, zero, two, आपको इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बतानी है सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आपको एक चीज का ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोला है आइडेंटिटी मतलब कि मैं इसमें क्या मल्टीप्लाई करूं मुझे आइडेंटिटी मल्टीप्ली आइडेंटिटी वो आइडेंटिटी बनी रहे मतलब फोर फाइव फाइव और वन जीरो सिंपल सा है मैं वन को ऐड कर दूं वन से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसकी जो आईडेंट मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी बनी वो क्या बनी वो वन बनी है ध्यान में रखनी है बहुत सिंपल है क्वेश्चन व्हाट शुड बी भी अब ये टाइप का क्वेश्चन है कि व्हाट शुड बी एडेड टू माइनस सेवन अपॉन थ्री टू गेट थ्री अपॉइन सेवन मैंने माइनस सेवन अपॉन थ्री में क्या ऐड करना है ठीक है वर्ड शुड बी एडेड क्या ऐड करना है कि मुझे क्या मिले थ्री अपॉइंट सेवन मिले मैंने इसमें क्या ऐड करना है मैंने इसमें मैं क्या ऐड करूं मुझे थ्री अपॉइंट सेवन मिल जाए ठीक है हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो ध्यान से देखना मुझे इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू चाहिए इसके साथ जो कुछ भी है उसे यहाँ से भगा दो इक्वल के दूसरी साइड ले आओ इक्वल के दूसरी साइड ऑलरेडी थ्री अपॉइंट सेवन था उसे रहने दो ये यहाँ माइनस में है माइनस सेवन अपॉइंट थ्री वहां जाके प्लस सेवन अपॉइंट थ्री हो जाएगा इसको सॉल्व कर लो सेवन थ्री का एलसीएम सी एम ट्वेंटी वन सेवन थ्री का ट्वेंटी थ्री थ्री नाइन 7, 21, 7, 7, इसे प्लस करोगे तो का एंड आंसर आया बोलो कोई दिक्कत बहुत सिंपल क्वेश्चन था. अगर आप में को प्लस करोगे, आपको थ्री अपॉइंट सेवन मिल जाएगा ठीक है ये आपका करेक्ट आंसर होगा विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज ग्रेटर अरे अरे, अरे क्या हो गया अच्छा ये पता नहीं वो स्लाइड आ गई फिर से ना 69 वाला क्वेश्चन था 70 वाला क्वेश्चन था ये 71 वाला क्वेश्चन है एडिटिव इनवर्स ऑफ पहले सॉल्व कर लो भाई 3/5 माइनस अब तो करना सीख गए होंगे हर एक टाइप मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया ताकि दिक्कत आए ना कहीं इनका एलसीएम ले लोगे 5 3 4 का एलसीएम आएगा कितना देखो 5 2 10 5 3 15 5 4 20 5 5 25 5 6 30 हम्म mm -hmm. थर्टी 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 और कितना हो गया फाइव सेवन जब थर्टी फाइव ठीक है फाइव एट जाए फोर्टी नहीं होगा फाइव नाइन जब फोर्टी फाइव नहीं होगा फाइव टन जब फिफ्टी नहीं होगा सिक्सटी होगा इसका सिक्सटी आएगा एलसीएम है ना सिक्सटी ठीक है फाइव को कितने से मल्टीप्लाई करा सिक्सटी आया ठीक है कितने से करा कितने से करा ट्वेल्व से तो थ्री को ट्वेल्व से करोगे ट्वेल्व थ्री जा ट्वेंटी फोर Sorry, 12 36 से 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 देखो कितने करा के 60 आया uh, 20 से तो 1 को भी करूंगा ठीक है थर्टी सिक्स माइनस ट्वेंटी करोगे तो कितना आएगा थ्री माइनस टू करोगे तो वन होगा सिक्स का तो सिक्स आएगा सिक्सटीन आ गया सिक्सटीन प्लस फिफ्टीन अपॉन सिक्सटी सिक्सटीन प्लस फिफ्टीन करोगे थर्टी वन आएगा छः पाँच ग्यारह का एक एक, एक दोन सिक्सटी हमें क्या बोला है? सॉरी सॉरी क्या बोल रहा हूँ माइनस थर्टी वन अपॉन सिक्सटी प्लस करूंगा ठीक है करूंगा, तो आंसर क्या आएगा आपका माइनस थर्टी वन माइनस थर्टी वन अपॉन सिक्सटी आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा ठीक है नेक्स्ट देखो व्हाट आर द मल्टीप्लिकेटिव एंड मल्टीप्लीकेटिटिटी नंबर में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे वही आइडेंटिटी वही नंबर मिले तो मैं वन उसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा फिर बोला एडिटिव आइडेंटिटी मैं उसमें क्या ऐड करूंगा कि वही नंबर मिले जीरो करूंगा वन तो और जीरो आंसर आएगा एडिटिव दिवर्स ऑफ थ्री फोर थ्री क्या होगा बहुत सिंपल है माइनस थ्री अपॉन फोर हो जाएगा ठीक है भाई? P upon q की में हम उसे कर सकते हैं जहां q डज नॉट इक्वल टू जीरो अपॉन में कभी भी जीरो नहीं हो सकता है हर एक चीज मैंने आपको भाई बता रखी थी ठीक है नेक्स्ट है द एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल टू मैंने आपको यह भी करवा रखे थे ना बोला था हर एक कॉन्सेप्ट आपको क्वेश्चन दूंगा हंड्रेड क्वेश्चन बहुत टाइम लगा इनको पूरा तैयार करने में ठीक है तो इसको जाया मत जाने देना ठीक है इसको शेयर वेयर करने लाइक वाइक कर लेना और बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करो अगर आप बैच भी ज्वाइन करना चाह रहे हो तो आप वॉरियर बैच ज्वाइन कर लो मस्त तो तरीके उसमें आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी बहुत मिनिमम फी पे ठीक है उसमें तो आपको डेली क्लासेस मिलती हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है वीकली टेस्ट होता है मंथली टेस्ट होता है एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज आपको रहती है जो कि पूरे इंडिया में कहीं भी नहीं मिलने वाली जब भी आप अपना क्वेश्चन कर रहे हो कोई कहीं पे भी आप फंस जा रहे हो तुरंत आप कॉल कर, कर सकते हो मैसेज वैसेज कर सकते हो ट्वेंटी फोर इंटू सेवन आपको मेंटरशिप रहती है राइट तो आप क्लास में माइक ऑन कर सकते हो है ना कभी क्लास मिस हो जाती है तो आप उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहती है वो चेक कर सकते हो मस्त तरीके से हम लोग की क्लासेस होती है ओके चलो इसको देख लेते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है ये वाला फंडा ठीक है अगर मेरे पे एक नंबर है कहीं पे मेरे पे नंबर है टू प्लस थ्री प्लस फोर अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा आंसर क्या आएगा टू प्लस थ्री प्लस फोर सेवन आंसर नाइन आएगा इसी को अगर मैंने ऐसे लिख लिया कि टू प्लस थ्री और प्लस फोर टू प्लस थ्री हो जाएगा फाइव फाइव प्लस फोर करोगे क्या होगा नाइन होगा ठीक है तो दोनों जगह से आंसर सेम आता है तो ये मल्टीप्लाई और मल्टीप्लीकेशन एंड लिए मल्टीप्लीकेशन होता है डिवीजन के, तो के लिए नहीं होता है एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन बिल्कुल सही सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट चलते हैं व्हाट शुड बी फ्रॉम बहुत बढ़िया कि मैं माइनस टू अपॉन थ्री में से ध्यान से देखने, क्या सब्ट करूं क्या सब करूं कि मुझे आंसर क्या मिले माइनस वन मिले, मिले बहुत कॉन्सेंट्रेशन वाला है लेकिन बहुत इजी है है ठीक माइनस क्या करूंगा कि मुझे माइनस वन मिली तो मुझे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू ध्यान से देखो क्वेश्चन मार्क अभी माइनस में है कोई दिक्कत नहीं है यही रहने दो इसे ठीक है इज इक्वल टू इज इक्वल टू के इस साइड माइनस वन ऑलरेडी है मैं इस माइनस टू अपॉन थ्री को यहाँ से इक्वल के दूसरी साइड ले जाऊंगा तो वो क्या हो जाएगा वो प्लस टू अपॉन थ्री हो जाएगा अब सॉल्व करो माइनस क्वेश्चन मार्क है अभी रेन दो इसे आप एक्स भी मान सकते हो अब जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे ठीक है इसे हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना थ्री वन जी ये माइनस थ्री हो गया ठीक है ये हो जाएगा माइनस थ्री 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 इंटू माइनस वन माइनस थ्री ये प्लस टू अपॉन में थ्री है. ये क्वेश्चन मार्क अब माइनस थ्री प्लस टू करोगे आंसर क्या मिलेगा प्लस माइनस का माइनस बड़ा नंबर माइनस में आंसर माइनस में आएगा फिर अब ध्यान से देखना है मुझे तो क्वेश्चन वैल्यू चाहिए आपका तो करेक्ट ये ये हो जाएगा वन ओपॉइन थ्री वेरीफाई भी कर सकते हो ठीक है कि बल मैं माइनस टू अपॉइंट थ्री में से मैं इसमें से क्या माइनस करूं है ना मैं इसमें से क्या माइनस करूं यही है ना तो हमें क्या मिला हमने बोला कि 1/3 को माइनस कर दो आपको आंसर -1 मिलेगा 3 और 3 देखो एलसीएम सेम है मतलब डिनोमिनेटर सेम है minus -2 minus -1 करोगे माइनस माइनस का क्या एक, क्या एक से क्या, एक से एक से ये प्लस है व्हाट शुड बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम -2/3 टू गेट -1 साइन कहाँ पे गलत हो रहा है मुझे -1 मिलना चाहिए ना हूं हूं फिर और सिकायल सी हम तो आ गया थ्री ओके सर थ्री आ गया तो माइनस टू है वो और में क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया वन थ्री कर दिया, तो वन अपॉन थ्री अगर मैंने उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया ठीक है वन अपॉन थ्री सब थ्री और थ्री तो ये माइनस टू माइनस 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 आ रहा अच्छा ठीक तो है यार मुझे क्या मिलना चाहिए माइनस वन मिलना चाहिए ना देख लो माइनस वन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, मिल तो रहा है यार मैं भी क्या हुँ? कैसे मिलेगा माइनस माइनस का क्या हो गया प्लस हो गया टू प्लस माइनस थ्री हो गया माइनस थ्री अपॉन थ्री करोगे थ्री से थ्री को डिवाइड करोगे वन और यहाँ माइनस था तो माइनस वन आएगा बस सही है वेरीफाई भी करवा लिया हमने ओके सर बहुत बढ़िया बहुत 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 बढ़िया नेक्स्ट देखो बाई वट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई मैं फिफ्टीन अपॉन माइनस ट्वेंटी एट में किस नंबर से मैं इसे मल्टीप्लाई करूं प्रोडक्ट जो मुझे आंसर मिलेगा ठीक है मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेगा माइनस फाइव पॉइंट सेवन मिलेगा मुझे किसकी वैल्यू चाहिए सर मुझे इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू चाहिए क्वेश्चन मार्क के साथ ये क्या है इसके साथ क्या है ये मल्टीप्लाई में है इक्वल के दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस फाइव पॉइंट सेवन क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा ठीक है ध्यान से देखना क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है तो ये यहाँ चला आएगा माइनस फिफ्टी पॉइंट ट्वेंटी ये माइनस चाहे यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो चाहे बीच में लिखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ठीक है इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे फाइव अपॉन सेवन इस वाले मल्टीप्लाई डिवाइड को मैंने मल्टीप्लाई बना लिया बना लिया इसका उल्टा कर दिया ये हो जाएगा माइनस माइनस ट्वेंटी एट अपॉन फिफ्टीन माइनस कहीं भी रखो उससे कोई दिक्कत नहीं आने वाली ठीक है उससे कोई दिक्कत नहीं आने वाली इसे सॉल्व कर लो फाइव से मैंने इसको कट कर लिया फाइव थ्री जा फिफ्टीन और सेवन से मैंने इसे कट कर लिया कितना हो जाएगा सेवन फोर जैसे ट्वेंटी एट ठीक है तो यहाँ पे देखो जब मल्टीप्लाई होता है तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है तो वो आंसर प्लस हो गया और आपका ऊपर क्या बचा ऊपर बचा आपका फोर नीचे बचा आपका थ्री फोर अपॉन थ्री आपका सही आंसर आएगा चेक कर लेना सही रहेगा ठीक है नेक्स्ट देखो व्हाट शुड बी एडेड टू मैं इसमें क्या ऐड करूं माइनस देखो सारे टाइप के क्वेश्चन करवा दिए माइनस फाइव अपॉइंट सेवन में मैं इसमें क्या ऐड करूं मैं इसमें क्या ऐड करूं मुझे माइनस टू अपॉइंट थ्री मिल जाए मुझे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू चाहिए ये माइनस टू अपॉइंट थ्री राइट साइड में सीधा ये वाला यहाँ जाके इक्वल के दूसरे साइड जाएगा ये यहाँ माइनस में है वहां जाके प्लस हो जाएगा कितना होता है थ्री तो सेवन जा कितना होता है ट्वेंटी वन एल सी एम ले लिया देखो कितने से मल्टीप्लाई करा ट्वेंटी वन आया सेवन से माइनस टू को भी सेवन करोगे सेवन से करोगे तो माइनस फोर्टीन प्लस सेवन थ्री या ट्वेंटी

ठीक है फोर पॉइंट अब देखो पहली बात पहले ना मैं इसको अगर मैं डिवाइड कर दू पहले मैं नॉर्मल नंबर बना दो ठीक है वैसे ना ये वाला ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन पे गलत है यार ये ऑलरेडी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में था ऑलरेडी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में था पर चलो फिर भी अच्छे से बना लेते हैं इसे अगर मैं टेन टेन से डिवाइड कर दूंगा तो हो जाएगा वन टू थ्री फोर फोर डिजिट यहाँ पे ध्यान से देखना यहाँ पे आपके क्या है फोर डिजिट हैं मतलब फोर जीरो है ऊपर तो आपके फोर डिजिट पॉइंट के बाद होने चाहिए तो ये हो जाएगा जीरो पॉइंट फोर थ्री टू फाइव ऐसा हो जाएगा डिवाइड करके लेकिन एक चीज मैंने आपको बताई थी कि हमें तो हमेशा एक नंबर आगे चाहिए उसके बाद वहां पे पॉइंट पॉइंट बनेगा स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने का तो मैं क्या कर दूंगा मैं क्या कर दूंगा मैं इसमें एक डिजिट को पॉइंट से पहले रहने दूंगा वो कब रहेगी जब मैं नीचे क्या कर दूंगा टेन एक टेन ऐसी रहने दूंगा ये हो जाएगा 4, 3, 2, और point यहां पे हो जाएगा फोर पॉइंट थ्री टू फाइव क्योंकि देखो यार अगर मैं इसे टेन से डिवाइड करता हूँ तो ये एक पॉइंट इधर आ जाएगा ठीक है तो मैंने एक टेन को छोड़ दिया मैंने यहाँ पे क्या करा होगा सिर्फ तीन जीरो से करा होगा अब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ फोर पॉइंट थ्री टू फाइव इन टू मैंने इसे क्या लिख दिया टेन रेस टू दी पावर माइनस वन में इसे अब लिख सकता हूँ बताओ हमने वो वाला मिल गया ना कि आगे एक डिजिट होना चाहिए उसके बाद पॉइंट होना चाहिए टेन रेज टू दि पावर माइनस वन हो गया ठीक है भाई ठीक है ठीक है ठीक है ओके सर ठीक है नेक्स्ट देखो फाइव सेवन टू देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है इसे तो आप कर लोगे फाइव पॉइंट टेन रेज टू दी पावर सॉरी फाइव पॉइंट सेवन टू जीरो इंटू टेन रेज टू दावर थ्री अच्छे से मैंने आपको बताया थे कि ऐसा हम कैसे करते हैं जीरो की यहाँ पे वैल्यू होती नहीं है उसे आप छोड़ सकते हो फोर सेवन तो फोर के बाद पॉइंट लगा तो फोर पॉइंट सेवन थ्री जीरो 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 वन टू थ्री फोर फाइव फोर के बाद फाइव डिजिट थी इंटू टेन रेज टू दी पावर फाइव कर लूंगा पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू होती नहीं है तो मैं इनको हटा सकता हूँ तो फोर पॉइंट सेवन थ्री इंटू टेन टू दावर फाइव हो जाएगा नेक्स्ट ऐसे तो बहुत सिंपल है यार ठीक है ये सीधे सिक्स हो जाएगा क्योंकि सिक्स पॉइंट जीरो लिखोगे भी वो वैसे ही रहेगा और यहाँ पे जीरो काउंट कर लो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स टेन रेस टू दी पावर सिक्स हो जाएगा जीरो नाइन भी लिखोगे चल जाएगा अच्छा दिखने के लिए लिख सकते हो जीरो पॉइंट जीरो नाइन को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो सबसे पहले क्या करोगे पॉइंट यहाँ से हटा दो पॉइंट हटाए तो क्या हो जाएगा 9 100, तो के दो, थे, तो में दो जीरो power, 2 लिख सकता हूं। था मैंने ये भी समझ आपको आ गया होगा नेक्स्ट ऐसे कर लो ठीक है जीरो पॉइंट जीरो जीरो सिक्स टू वन अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटा दू अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटा दू तो ये क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक है तो ये क्या हो जाएगा सिक्स टू वन अपॉन में क्या हो जाएगा टेन रेस टू दी पावर सिक्स हो जाएगा क्योंकि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स जीरो थी है ना तो सिक्स जीरो को मैंने कर लिया होगा अब देखो यार ध्यान से हमें ये क्या चाहिए सिक्स पॉइंट टू वन में चाहिए तो मैंने क्या कर दिया होगा दो जीरो से ना मैंने इसे डिवाइड कर दिया होगा दो जीरो से डिवाइड कर दिया तो ये सिक्स पॉइंट टू वन अपॉन में टेन रेस टू दी पावर फोर बच गया होगा अब ये हो जाएगा सिक्स पॉइंट टू वन इंटू टेन रेस टू दावर को पढ़ लिया माइनस फोर हो जाएगी अच्छे से क्लास में बताया था जिसने वो देखा होगा वो एक कंफर्टेबल फील कर रहा होगा अब मैं वही चीज बार बार याद वैसे तो मैंने बहुत सारी चीजें फिर आपको डिटेल में बताई है वही चीज अगर मैं यहाँ भी बार बार बोलूंगा तो टाइम ज्यादा लग जाएगा है ना वहां जब करवा रखे तो आप उसे चेक कर सकते हो ये तो सिंपल हो जाएगा फोर पॉइंट टू एट वन टू इंटू टेन टू दी पावर फोर फोर को छोड़

काउंट तो करने पड़ेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन बहुत बढ़िया टेन रेस्ट टू पावर इलेवन हो गया बताओ ये आपके स्टैंडर्ड फॉर्म बन गए ठीक है सर मजा ही मजा ही मजा ही मजा ही मजा ही आ गया भाई ठीक है क्या आ गया मजा ही आ गया ओके 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 ओके, ओके। चलो नेक्स्ट देख लो दिक्कत तो नहीं है किसी को दिक्कत होगी तो भाई आप लोग बता सकते हो नेक्स्ट देखो अब थोड़ी रेशनल नंबर पे चलते हैं कि फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन वन अपॉन फोर एंड वन अपॉन थ्री एक रेशनल नंबर सिखा रखा था जब भी एक रेशनल नंबर फाइंड करना हो तो सीधे उनका या तो सीधे टू से डिवाइड कर लो या उनको क्या कर लो जैसा बता रखा था एलसीएम सेम कर लो तो ये वन अपॉन है और ये वन अपॉन है एलसीएम फोर और थ्री का एलसीएम ट्वेल्व आएगा

2, 3, 6, तो हो हो गया. 4 upon 12 क्या क्या जाएगा? 4, 2, 8 और 4, 2, 12, 24। बस इनके बीच क्या है? 7 upon 24 है. वही आपका एक रेसनल नंबर निकल आ गया क्वेश्चन आता है ठीक है बता रखा था. जब भी थ्री बोला जाए थ्री में वन प्लस कर दो फोर बाद में उसे मल्टीप्लाई कर दें या पहले एलसीएम सेल सी एलसीएम निकाल दो वन अपॉन सिक्स ही आएगा एलसीएम तो वन अपॉन थ्री को किससे मल्टीप्लाई करा टू से करा वन को भी टू से कर लो टू वन जा टू थ्री टू जा सिक्स ये था वन अपॉन सिक्स सिक्स को तो वन से ही करा इस सिक्स को भी आप वन को भी आप वन से ही कर लो ते वन अपॉन सिक्स ही रहेगा अब देखो यहाँ पे उनके बीच कुछ भी नहीं निकल रहा क्योंकि वन के बाद जस्ट यहाँ पे टू आ रखा है ऐसे में हम क्या करेंगे हमें थ्री निकालनी थी थ्री में वन प्लस कर दो फोर फोर से इनको मल्टीप्लाई कर दो ये हो जाएगा आपका कितना फोर टू एट, फोर सिक्स जा ट्वेंटी फोर ये हो जाएगा आपका कितना फोर वन जा फोर फोर सिक्स जा ट्वेंटी फोर ठीक है इनके बीच अब क्या क्या निकला देखो क्या क्या है फाइव अपॉन्टी फोर है सिक्स अपॉइंटी फोर है और सेवन अपॉइंटी फोर है आपको तीन रेसनल नंबर जो कि फाइंड है, है, है हमें कितना रेसनल नंबर चाहिए फोर फोर में वन प्लस कर लो फाइव फाइव से इसे से अब मल्टीप्लाई कर लो दोनों को है ना हो जाएगा, टू जा कितना हो जाएगा टू फाइव जा टेन और टू फाइव फाइव से, से करना सॉरी फाइव टू टेन फाइव ट्वेंटी हो जाएगा 35, और सही है? है तो ये हो जाएगा ये अरे यार रुको, चार तो तीन चार, चार तो इसके अंदर वैसे भी निकल भी है यार सॉरी सॉरी ये करना की नीड है ही नहीं यार इनके बीस नंबर निकल तो रहे हैं थ्री पॉइंट फाइव है फोर है फाइव पॉइंट फाइव है और सिक्स फाइव है बाद में आ रहा है upon 5, तो ये चार नंबर निकल तो यार बहुत सिंपल था, ठीक है चार नंबर आपको इजीली निकल गए ओके वो करने की नीड ही नहीं है एक रैशनल नंबर निकालना है तो पहले एलसीयम ले लो फोर थ्री फाइव पॉइंट फोर और फोर का एल्सीयम ट्वेल्व आएगा तो मैं किससे करूँ फोर को किससे करूं फोर फोर को भी मैं फोर से करूंगा थ्री को भी मैं फोर से करूंगा फोर थ्री जा कितना हो जाएगा सॉरी फोर फोर जा सिक्सटीन थ्री फोर जा ट्वेल्व ये भी करोगे फाइव पॉइंट फोर करोगे फोर को थ्री से करोगे ताकि ट्वेल्व हो जाए बराबर हो जाए इसको भी थ्री से करना पड़ेगा फाइव थ्री हजार फिफ्टीन फोर थ्री हज़ार ट्वेल्व इसके बीच तो मुझे एक ही एक भी नहीं निकला मुझे एक निकालना था तो मैं वन प्लस वन कर लूंगा मतलब जितने निकालने हैं है, उस उसमें एक बढ़ा के मल्टीप्लाई करना टू से मल्टीप्लाई करोगे एलसीएम निकालने के बाद हाँ सिक्सटीन टू हजार थर्टी टू ट्वेल्व टू हज़ार ट्वेंटी फोर फिफ्टीन टू थर्टी ट्वेल्व टू ट्वेंटी फोर इनके बीच आपको एक निकाल गया थर्टी वन ट्वेंटी फोर बताओ किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ किसी को कुछ भी समस्या है तो यार मुझे बताओ ठीक है थर्टी वन अपॉइंट ट्वेंटी फोर निकल जाए नेक्स्ट फाइंड आउट फोर रेसल नंबर बिटवीन अब देखो माइनस वन अपॉन थ्री है और वन अपॉन फोर है पहले तो एलसीएम सेम कर लो LCM इनका ट्वेल्व है तो थ्री को फोर से मल्टीप्लाई करा वन को भी फोर से करना पड़ेगा ठीक है इसमें फोर को थ्री से करा के ट्वेल्व आ जाए वन को भी थ्री से करना पड़ेगा माइनस फोर वन जै फोर हो जाएगा माइनस फोर और थ्री फोर जैट ट्वेल्व ये हो जाएगा कितना थ्री वन जै थ्री और फोर थ्री जैट ट्वेल्व इनके बीच देखो क्या फोर रेसनल नंबर निकल दिए आपको पता ही ये माइनस फोर अपॉन ट्वेल्व है इससे पहले क्या आएगा माइनस थ्री अपॉन ट्वेल्व फिर क्या आएगा माइनस टू अपॉन ट्वेल्व फिर क्या आएगा माइनस वन अपॉइट ट्वेल्व तो बस ये आपको यहाँ पे इजीली नंबर निकल गया और इसके बाद एक जीरो जीरो भी आपको पता नहीं होगा क्योंकि ये तो ऑलरेडी नंबर है तो वन टू तो, थ्री फोर फोर आपको मिल गया बहुत ईजी है अब ये वाले क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी अच्छे से ये भी आपको भैया होने चाहिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यार देखो हंड्रेड क्वेश्चन का मैराथन मैंने आपको ये पूरा करवा दिया होप आपको समझ आया होगा आपको मजा आया होगा इस तरीके से करोगे तो फिर आपको यार कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है ठीक कुछ भी कुछ भी कुछ भी दिक्कत 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 आपको नहीं होगी देखो इसमें मैंने बोला हमें ए और बी की वैल्यू जिसने नहीं देखा वो लेक्चर देख लेना क्लियर हो जाएगा ए और बी की वैल्यू चाहिए ठीक है तो सबसे ऑप्शन से सीधे ऑप्शन से फिट कर लो इनमें पहला क्या है पहले मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेता हूँ ये बी ए है और ये यहाँ पे क्या है बी थ्री है और ये आपका यहाँ पे क्या है फाइव सेवन ए है हमें क्या बोला फर्स्ट वाला ऑप्शन ये एक ऑप्शन ये एक ऑप्शन है ये दूसरा ऑप्शन है ये तीसरा है ये चौथा है फर्स्ट वाला ऑप्शन देखो ए इज इक्वल टू फाइव है ठीक है इज इक्वल टू क्या है फाइव है तो एक ही जगह फाइव रख दो ठीक है बी इज इक्वल टू टू है इज इक्वल टू टू रख दो ये भी इज इक्वल टू टू रख दो ए की वैल्यू यहाँ पे फाइव थी ठीक है एक वैल्यू आपके यहाँ पे क्या थी फाइव थी सेवन था अब इसे मल्टीप्लाई बोला है मल्टीप्लाई कर दो ट्वेंटी आप इंटू ट्वेंटी ट्वेंटी फिट हो रहा है सर्टिस्फाई हो रहा है तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही था आप इनको फिट करोगे मल्टीप्लाई करोगे वो आंसर सही नहीं आएगा ओके ये ऑप्शन करेक्ट है यू आर गिवन द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर मल्टीप्लीकेशन दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन दे रखा है इसमें बोला है कि आपको ए वगैरह की वैल्यूज आपको फाइनड करनी है ठीक है ये वैल्यूज आपको find करनी है। तो से देखना इसमें फिट कर लेते हैं मैंने आपको एक ही ऑप्शन लिखा है क्योंकि ऑप्शन वो ज्यादा भर जाएगा बाकी आपके पास चार ऑप्शन आएंगे सबसे पहले हमने इसको लिख लेना है और इन वैल्यू को फिट कर दो भी ऑप्शन मिलेगा एक एक वैल्यू फिट कर दो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे आपको आंसर वाली वैल्यूज लिखी है ठीक है ये है फाइव A की वैल्यू यहाँ पे क्या है टू है तो टू रख लो थ्री फिर इंटू में ये बी की वैल्यू क्या है बी की वैल्यू फोर रखी है तो बी की वैल्यू फोर रख दो और आगे टू है फिर आपको क्या दे रखा है वन सी वन ऐसे लिख दो सी सी की वैल्यू क्या दे रखी है जीरो तो सी की जगह पे मैंने यहाँ जीरो लिख दिया सी की जगह जीरो लिख दिया फोर एसी था सिक्स एसी था फिर यहाँ पे प्लस है टू डी की प्लेस पे क्या है डी की प्लेस पे जीरो है तो इस डी प्लेस पे जीरो रख रख दो जी की प्लेस पे रख प्लेस पे जीरो दिया ये नाइन है, ये टू है 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 क्रॉस ओके फिर आपका यहाँ पे क्या है इसे ये प्लस कर रहे हैं आप ई की वैल्यू क्या है ई की वैल्यू टू है तो मैंने यहाँ पे ई की वैल्यू टू रख दी ये वाला ई है फिर यहाँ पे वन है फिर एफ की वैल्यू क्या है एफ की वैल्यू नाइन है एफ की वैल्यू नाइन रख दी जी की वैल्यू सिक्स है जी की वैल्यू सिक्स रख दी बस ठीक है एक सिक्स और है। ये जी की वैल्यू सिक्स है और ये सिक्स ऑलरेडी है भाई पे ये ऑलरेडी है अब आपको इसे बस चेक करना है आप ना फाइव टू थ्री और फोर्टी टू को मल्टीप्लाई करके देख लो इसको मल्टीप्लाई करो चेक करो क्या आ रहा इसको चेक करो आप देखो फिर क्या आ रहा है आपको मतलब मल्टीप्लाई करो इसको आपको पता लग जाएगा भाई क्या आ रहा को को प्यार से मल्टीप्लाई करो लास्ट में अगर अगर ये आंसर आपको मिलेगा समझ कि ऑप्शन ए बिल्कुल हो जाएगा अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ना वन नाइन सिक्स सिक्स ही मिलेगा मतलब ए ऑप्शन हम लोगों का यहाँ पे ये करेक्ट ऑप्शन था ठीक है ठीक है, है इसमें ऑप्शन भी मैंने आपको नहीं दिए तो देख लो ये नॉर्मल है वैसे ऑप्शन से आपका फिट हो जाता बट ऑप्शन में यहाँ पे लिखा नहीं तो अभी ऐसे करना पड़ेगा इसे अगर हम ऐसे करेंगे तो देखो प्यार से समझना इसको ये तो आपको ध्यान से फोकस होके समझना ये नाइन है नाइन से हम फोर ए बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं आई I मीन mean, डिवाइड कर रहे हैं सॉरी डिवाइड कर रहे हैं तो देखो नाइन को हमने किससे मल्टीप्लाई करा है ये आपको दिख रहा है फोर्टी फाइव आया तो सबको पता है फाइव से करा होगा नाइन फाइव जा फोर्टी फाइव अब आपको क्लियर हो जाएगा कि सर जब हमने में से फाइव माइनस करा हमें थ्री मिला तो यार ये या आपको अंडरस्टूड है ना जब मैंने में से मैंने फाइव को माइनस करा थ्री आया मतलब ए की वैल्यू क्या रही होगी ए की वैल्यू एट रही होगी तभी तो एट माइनस फाइव आपका थ्री आया या इन दोनों को प्लस कर लो फाइव प्लस थ्री प्लस कर लो ए की वैल्यू मिल जाएगी एट समझिए ओके फिर हमने यहाँ से बी को उतार लिया नीचे बी को हमने नीचे उतार लिया फिर हमने देखो नाइन को हमने यहाँ पे ये सी से मल्टीप्लाई करा किस से मल्टीप्लाई करा होगा कि थर्टी सिक्स आया बिल्कुल सिंपल है सर फोर सही तो करा होगा तभी तो जब नाइन फोर जब थर्टी सिक्स तभी आएगा फिर हमने देखो थ्री बी में से मैं थर्टी सिक्स माइनस कर रहा हूँ तो रिमाइंडर जीरो आ रहा है बी की वैल्यू क्या रही होगी बी की वैल्यू क्या रही होगी नो डाउट सर बी की वैल्यू भी सिक्स रही होगी तभी तो थर्टी सिक्स से माइनस सिक्स जीरो होगा तो बीज इक्वल टू सिक्स हो गया हमें ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या मिली आठ चार बारह बारह छः अट्ठारह नाइनटी फाइव का आंसर आपका एटीन आ जाएगा ठीक है यस सर नेक्स्ट देखो फाइंड वैल्यू ऑफ ए बी सी इन दबेक्शन ऑप्शन दे रखा है, फिट कर दो ये था फोर थ्री ए की वैल्यू है सिक्स ठीक है माइनस बी की वैल्यू है वन सी की वैल्यू है एट और, और, और ये तो नाइन है अब ये टू फोर सेवन आना चाहिए कि सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है सोलह में से नौ गया सात वहाँ पे दो बारह में से आठ गया चार यहाँ पे तीन तीन में से गया दो तो ये सर सेटिस्फाई कर रहे हैं बहुत सही नाइनटी सेवन का ये ऑप्शन करेक्ट है अरे समझ आ गया, ना? आ गया आ है ना क्या होगा दिक्कत होगी बता देना यार आई एम ऑलवेज विद यू प्रॉब्लम नहीं होगी कोई भी ठीक है थ्री ए बी सिक्स और ये क्या है डी वन सेवन सिक्स ठीक है थ्री ए बी सिक्स और ये क्या है डी वन सेवन सिक्स अब आप यहाँ पे चेक करोगे आप यहाँ पे चेक करोगे ये प्लस हो रहा है प्लस होने के बाद क्या मिल रहा है आपको सेवन फोर थ्री जीरो मिल रहा है अब वैल्यू रख दो ए की वैल्यू टू बोला है वो रख दो ऑप्शन पे जाओगे एक ऑप्शन आपको करेक्ट मिलेगा बी की वैल्यू फाइव बोला है सी की वैल्यू फोर बोला है डी की वैल्यू भी फोर बोला है सेटिस्फाई कर रहा है छह चार दस का एक दस का जीरो कैरी वन सात पाँच बार एक तेरह का तीन आस दो तीन चार चार तीन सात यस सर बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है सेकंड लास्ट क्वेश्चन वाह थ्री इंटू सेवन वैल्यू रखो तो दो ऑप्शन मैंने दे दिए थी, ठीक है अब इसमें देखो वैल्यू आप ऐसे रखोगे थ्री ए इंटू सेवन आंसर है टू बी एट ए की वैल्यू आपने रखी फर्स्ट वाले ऑप्शन से इससे गई अभी ए की वैल्यू रखी आपने थ्री और बी की वैल्यू रखी आपने क्या फोर देखो क्या सेटिस्फाई हो रहा है सेवन थ्री जा सेवन थ्री जा तो ट्वेंटी वन होता है ट्वेंटी वन का यहाँ पे कैरी वन होना चाहिए था जो कि एट है तो सर बी ऑप्शन तो आप ए ऑप्शन आपका गलत है ऑप्शन गलत है डेफिनेटली सेकेंड वाला ऑप्शन सही होगा तो ए की वैल्यू रखो ए की वैल्यू यहाँ पे हम क्या रख लेंगे फोर रख लेंगे और बी की वैल्यू हम यहाँ पे क्या रख देंगे थ्री रख लेंगे बिल्कुल सेटिसफाई कर रहा है तो इसका ये सेकंड वाला करेक्ट होगा ओके okay, नेक्स्ट देखो नाइनटी नाइन ठीक है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इसमें ए बी बी ए सी ये जीरो है ठीक है की ये ऐसा है ए बी बी ए सी जीरो बी ये ऐसा है ए की वैल्यू मैंने क्या रख दी यहाँ पे वन रख दी बी की वैल्यू क्या है थ्री है ए की वैल्यू क्या है वन है बी की वैल्यू क्या है थ्री है और सी की वैल्यू क्या है फोर है सेटिस्फाई हो रहा है नहीं हो रहा है अब ये सी जीरो बी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए अच्छा यहाँ पे नहीं मल्टीप्लाई होगा ना यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा भाई ठीक है यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई होगा ठीक है बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू यहाँ पे थ्री है अब मैंने मल्टीप्लाई करा थर्टीन और थर्टी नाइन थर्टी नाइन प्लस वन फोर्टी बस आंसर करेक्ट हो गया लास्ट क्वेश्चन ठीक है लास्ट क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ ठीक है ए बी सी इन सब की वैल्यू आपको बतानी है ऑप्शन पे जाओ ऑप्शन फिट कर दो इसमें सी ए से ऐसे बिना ऑप्शन के भी कर सकते हो बट ऑप्शन से करोगे तो देखो यार आपको क्लियर हो रहा है कि यार मैंने फोर को यहाँ पे किस से मैं यहाँ पे क्या नंबर आया अंडर स्टूड है, है यहाँ पे ऐसा क्या नंबर होगा कि मैंने उसे फोर से मल्टीप्लाई करा मुझे ट्वेंटी एट आया नो no डाउट सर सी ए सीरे ए की वैल्यू सेवन आ जाएगी क्योंकि हो जाएगा आपके यहाँ पे सेवन फोर या ट्वेंटी एट अब आपने माइनस करा थर्टी फोर माइनस ट्वेंटी एट करा सिक्स आया यहाँ से हमने ये सी ले लिया ठीक है सी की वैल्यू अभी बैलेंस है यहाँ पे आपको पता चल गया सेवन आ गया फिर यहाँ पे सी यह है और यहाँ पे सी है यहाँ पे कट है अब हमने यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे क्या नंबर आएगा ऑप्शन से आप उसको आपको फिट करना है तो मैं सी की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे ये यह थ्री रख दूँ तो ये सिक्सटी थ्री हो जाएगा सी की वैल्यू सिक्सटी थ्री रिमाइंडर जीरो आ जाएगा आपको क्लियर हो जाएगा सर यहाँ पे डी की वैल्यू नाइन आएगी क्योंकि नाइन सेवन जाएगी तो सिक्सटी थ्री होता है दोस्त क्लियर है ये था आपका पूरा नंबर सिस्टम का क्वेश्चन होप 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 आपको यहाँ तक क्लियर कॉन्सेप्ट हो गए होंगे कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो बता देना थैंक यू गाइज ठीक है आपने अगर इतने सारे क्वेश्चन कर लिए डेफिनेटली इनमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा हंड्रेड परसेंट sure, वो मेरी गारंटी है आपको इजिली आप एग्जाम में से कर लोगे मेक श्योर आपने पहले के लेक्चर वो देख लिए होंगे ठीक है बाकी कुछ भी दिक्कत होगी बता दें always with you guys, से वो देखते रहो बाकी ऑनलाइन भी आपका चल रहा है वहां तो टावर तोड़िया क्लास होती है ठीक है और ऐसी कोई दिक्कत होगी तो बता देना बाकी कल की क्लास में मिलते हैं ठीक है इसके आगे का जो भी होगा आप वो देख लेना और इसको यार लाइक तो आपने कर लिया होगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर तो वो भी कर सकते हो थोड़ी अपना सपोर्ट दिखाओ थोड़ा हम यहाँ से करते हैं आप वहां से करो दोनों मेहनत करते हैं डेफिनेटली आपका एग्जाम करेगा ओके तो काफी टाइम लगा इसको करने में सीरियसली लेना इसको ओके तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट बी हैप्पी वो ये चीज जब तक तोड़ोगे नहीं ओके तब तक छोड़ोगे नहीं